मैं आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से हमारी राज्य प्रभारी बहन पुष्पांजलि जी का, हमारे मंडल प्रभारी श्री तरुण भाई का और हमारे इस पतंजलि योग समिति के संरक्षक श्री राम सिंह जी का। विशेष आभार व्यक्त करता हूं श्री विवेक नारायण जी का जो यहाँ के महापौर हैं, श्री राधारमन दास जी का विशेष आभारी हूँ, आरपी शर्मा, राजेश भाई, राजीव भाई, सुश्री पार्थसारथी बहन श्री राम प्रकाश जी और श्रीमती सुमन अग्रवाल, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन संयोजन में भूमिका निभाई है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी कार्यकर्ता, भारत स्वाभिमान के पदाधिकारी, पतंजलि पीठ के पदाधिकारी जिन्होंने इस आयोजन में नगर में आया हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति है। और आनंद की अनुभूति का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई के प्रथम पंक्ति के शहीदों में जिनकी गिनती होती है, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनकी कर्म भूमि पर मैं आया हूँ, इसका मुझे बहुत आनंद है। और आते ही मुझे एक सुखद समाचार आपके महापौर जी का मिला कि यहाँ एक ज्योति जलाने का काम पिछले वर्ष से शुरू हुआ है उनकी समाधि पर। हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष पूरे हुए पिछले साल, उस निमित्त से यहाँ पर ज्योति जलाने का काम, जो अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित करने का काम हुआ है। ये बहुत आनंद और सुख की बात है। इस देश के शहीदों की जहाँ समाधियाँ हैं वहाँ पर सभी जगह ऐसा होना ही चाहिए, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन हम आज़ादी के 62 साल के बाद कुछ कुछ शहीदों को याद कर पाएँ और ये काम कर पाएँ तो ये हम अपने ही पाप को कुछ कम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये तो काम 1947 में ही होना चाहिए, आज़ादी मिलते ही ये काम होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी दिलाई है अगर उनके प्रति हम सम्मान नहीं कर सकते, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते, तो हमसे ज़्यादा कृतज्ञ और कौन हो सकता है। तो ये आनंद का समाचार मुझे मिला, इसके लिए मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये काम करने में सक्रिय सहयोग दिया होगा। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू हुआ है पिछले जनवरी 5 से 2009 में। ये अभियान संपूर्ण भारत देश में शुरू हुआ है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं, मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा इस अभियान में 680 जिलों के जिला प्रभारी हैं, 31 राज्यों के राज्य प्रभारी हैं और सारे देश में करीब 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो इस अभियान के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारी ऐसी कोशिश है कि जनवरी 2010 तक इस अभियान में लगभग 11 लाख लोग पूरे देश में सक्रिय सहभागी हो जाएंगे। और अगले वर्ष से परम पूजनीय स्वामी जी खुद एक एक जिले के प्रवास पर निकलने की तैयारी में हैं। तो हमारा अनुमान है कि स्वामी जी का जो जिलों का प्रवास होगा और अगर वो 2 साल चल गया तो सारे देश के करीब 5 करोड़ लोग इस अभियान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ काम करना चाहते हैं। एक बार हमारा संगठन खड़ा हो जाए, हमारी शक्ति हो जाए, तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। और वो काम क्या करना चाहते हैं, अगर एक वाक्य में कहूँ तो शहीदों के अधूरे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है। हमारे देश के क्रांतिवीरों के, हमारे देश के शहीदों के, हमारे देश के महापुरुषों के जो सपने हैं भारत के बारे में, ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा भारत होना चाहिए, वही हम पूरा करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सारे सपने, सारे आदर्श जो क्रांतिकारियों ने देखे, शहीदों ने देखे, वो आज़ादी मिलते ही पूरे होते, लेकिन नहीं हो पाए हैं। उसके कुछ गंभीर कारण हैं, उन कारणों की जांच पड़ताल करके उनका कोई समाधान निकालने के प्रयास में हम सब लोग हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारे देश की आज़ादी बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। हमारी आज़ादी का मूल्य, हमारी आज़ादी की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 2-3 जानकारियों से
आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली जानकारी ये कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों के जो बलिदान हुए, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे के जो बलिदान हुए, ऐसे बलिदान हमारे देश में 7,32,780 हुए। एक दो बलिदान के बाद आज़ादी नहीं आई। अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं, क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुचि नहीं है लाने में, कोई रस नहीं है। मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन क्रांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट और डेथ वारंट अभी तक भारत नहीं पहुंचे। आज़ादी के 62 साल में 63वां साल शुरू हो चुका है। जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई, ऐसे बहुत शहीद हैं, लंदन की जेलों में उनके डेथ वारंट पड़े हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, कई शहीदों की अस्थियां वहां जेलों में रखी हुई, वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं। ये हमारे देश के आज़ादी के बाद के जो नेता हैं, शासक हैं, उनका असली परिचय देने के लिए काफ़ी है कि वो कैसे व्यक्ति। तो जो काम शहीदों के आज़ादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम अधूरा है, वो हमें पूरा करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान अभियान बना है। हमारे शहीदों की जो शहादत है, मैंने बताया 7,32,780 क्रांतिकारी इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चढ़ा दिए गए, ये संख्या उन क्रांतिकारियों की है। इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे देश के साधारण नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार किए और उनमें जो लोग मारे गए, मैं उनको भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं मानता, वो संख्या 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़। एक ही उदाहरण से बताता हूं, आप ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर के नज़दीक में एक बड़ा नगर है, उसका नाम है कानपुर। कानपुर के पास एक छोटा सा स्थान है बिठूर। बिठूर वो स्थान है जहां 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठकें हुई हैं। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाएँ बनाई, सबसे पहले वो बिठूर से बनी, और अंग्रेजों को बिठूर आंख में चुभता था। तो अंग्रेजों ने उस बिठूर के ऊपर क्या अत्याचार किए, उसकी एक ही बानगी देता हूं कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बिठूर पर हमला किया था। ये 1857 के बाद की घटना है। उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे। 2,400 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेजों। और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला, उनको बाद में नीम के पेड़ों से, पीपल के पेड़ों से, बरगद के पेड़ों से फांसी लटकाकर छोड़ दिया था, ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो, आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। अब बिठूर जैसे नगर में 24,000 लोगों की शहादत हुई है आज़ादी के लिए। अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिठूर जैसे भारत में 350 नगर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, और अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था। अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तोड़ी थी। तो लगभग 4.5 करोड़ भारतवासी इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होकर शहीद हुए। उनकी शहादत को भी नमन है। जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उनको तो हम नमन करते ही हैं। जिन क्रांतिकारियों को अत्याचारों से मार डाला अंग्रेजों ने, उनके प्रति भी हम अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, नमन प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। अफ्रीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का 450 साल के लिए। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, वो अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का लगभग 400 साल के लिए। इसी तरह से लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर। जापान गुलाम हुआ है अंग्रेजों का। चीन कुछ दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है।
दुनिया में ऐसे 50 देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, लेकिन इन 50 देशों का इतिहास जानने के बाद जो महत्व की बात पता चलती है वो ये कि किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं हुई हैं, इतनी शहादत नहीं हुई है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हुई, किसी भी देश में। अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास हम पढ़ते हैं, पता चलता है थोड़े से लोगों ने अफ्रीका की आज़ादी हासिल कर ली। अल्जीरिया की आज़ादी बहुत कम लोगों ने हासिल कर ली। रोडेशिया, इथियोपिया, सोमालिया, इन सब देशों की आज़ादी थोड़े से लोगों ने हासिल कर ली। लैटिन अमेरिका के देशों में थोड़े से लोगों ने अपने देश को आज़ाद करा लिया। ये भारत अकेला देश है दुनिया के 50 देशों में जहाँ की आज़ादी लाने में हमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बलिदान देने पड़े। हमने तो अभी इस पर कोई काम नहीं किया है कि ये 4.5 करोड़ लोगों के नाम क्या हैं, उसकी कोई सूची अभी तक भारत सरकार ने तैयार नहीं की। ये तो अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़े हैं, उनमें से निकाल कर लाई गई छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमको पता चलता है। तो बहुत कीमती है आज़ादी, बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस देश की आज़ादी। इस देश की आज़ादी की कीमत क्या है अगर आप जानना चाहें तो उन शहीदों के, महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के परिवारों से पूछिए जिन्होंने कुछ ना कुछ बलिदान किया है इस देश की आज़ादी, वो बताएंगे कि क्रांति की कीमत क्या है। महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है, पुणे नाम का एक शहर है, वहां पर एक ही परिवार, चाफेकर परिवार के 3 नौजवानों को फांसी हुई थी। एक ही परिवार में 3 बेटे थे, तीनों फांसी पर चढ़ गए। चाफेकर बंधुओं के परिवार में जाकर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है, स्वतंत्रता की कीमत क्या है। तांत्या टोपे के परिवार में अगर आप जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है। भगत सिंह के परिवार में जाकर पूछेंगे तो अंदाज़ा लगेगा आज़ादी की कीमत क्या है। हमारे जैसे लोगों ने, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश के स्वाधीनता संग्राम में, उनको आज़ादी की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दिल में उतना दर्द होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसको समझने का। बहुत कीमती है ये आज़ादी जो भी आई है, लेकिन दुख उससे भी बड़ा ये है कि ये जो आज़ादी आई वो शहीदों के सपनों के अनुरूप नहीं आई। हमारे क्रांतिकारियों के जो सपने थे उसके अनुरूप ये आज़ादी तो नहीं है। सबसे बड़ा सपना ये था कि आज़ादी के पहले भारत जितना बड़ा था, आज़ादी के बाद भी भारत उतना ही बड़ा होना चाहिए भौगोलिक रूप से। माने भारत की सीमाएं जहां तक लगती थी आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के भारत की सीमाएं भी उतनी ही होनी चाहिए थी। आपको मालूम है आज़ादी के पहले का भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आज़ादी के पहले का भारत इस समय के भारत से बहुत बड़ा भारत था, लेकिन आज़ादी मिलते ही भारत के टुकड़े हुए और इस देश की आज़ादी खंडित हो गई। हमारे किसी भी शहीद ने ये सपने में नहीं सोचा था कि आज़ादी मिलते ही देश का खंड खंड बंटवारा होगा, देश को तोड़ना पड़ेगा। मुझे वो दिन याद आपको कराना है, 1905 में अंग्रेजों ने इस देश में एक बहुत बड़ा खेल खेला था। अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में हुआ करता था, उसका नाम था करजन। करजन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। उस जमाने का जो बंगाल था वो आज के ज़माने से बहुत बड़ा था। अभी का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा, अभी का हमारा जो बिहार है, अभी का हमारा जो उड़ीसा है, झारखंड है, इतना बड़ा इलाका था बंगाल का। और भारत के ऊपर के जो छोटे छोटे 7 प्रदेश हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह वगैरह, इनको मिलाकर पूरा बंगाल था। उस बंगाल को अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बाँटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। पूर्वी बंगाल अंग्रेजों ने मुसलमानों को दे दिया, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को दे दिया। ये करजन नाम के एक अधिकारी ने 1905 में किया था। माने संप्रदाय के आधार पर भारत बटे, संप्रदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बंटवारा हो,
वो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से, लेकिन हमारे क्रांतिवीरों की ताकत, उनका पराक्रम, उनका हौसला, उनकी दूरदृष्टि वो इतनी काबिले तारीफ है कि अंग्रेजों की इस चाल को उन्होंने नाकाम कर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने 1905 में ये बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो गए। कहाँ लाला लाजपत राय उत्तर भारत के थे, कहाँ लोकमान्य तिलक पश्चिम भारत के थे, कहाँ विपिन चंद्रपाल पूर्वी भारत के थे, कहाँ अरविंदो घोष पूर्वी भारत के थे, ये सारे क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे हो गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और अंग्रेजों के संप्रदाय के आधार पर बंटवारे का पूरी ताकत से विरोध किया, और विरोध भी ऐसे किया कि अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, और इन क्रांतिवीरों का ये कहना था कि अंग्रेजों की ताकत और हैसियत इस देश में जो बढ़ी वो उनके व्यापार से बढ़ी, उनका माल हमने खरीदा, उनको पैसा मिला, उस पैसे से उनको ताकत मिली। तो इन क्रांतिकारियों का कहना था कि ये ताकत इनकी छीन लो, इनका माल बिकवाना इस देश में बंद करा दो, और अंग्रेजों को जब पैसे नहीं मिलेंगे इस देश भारत से तो कमजोर पड़ेंगे तब ये हमारी बात को मानेंगे सुनेंगे। सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1905 से 1911 छः साल में स्वदेशी आंदोलन में 1,24,00,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, और ये उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास थी। और इन क्रांतिकारियों ने, इन नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि 1911 में जाकर अंग्रेज सरकार को बंगाल का बंटवारा वापस लेना पड़ा। ये अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखिरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया, कानून बना दिया, डिवीज़न ऑफ बंगाल एक्ट, उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रद्द करना पड़ा और बंगाल का बंटवारा ख़त्म करना पड़ा। हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश उन्होंने की थी उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे, और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे, सार्थक रहे। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बंटवारे को हमने 1905 में ख़त्म करा दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर, जिस बंगाल को फिर से एक करा दिया इस देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी देश का बंटवारा 1947 में हम रोक नहीं पाए, और वही बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर फिर हुआ। पहले बंगाल का हुआ था, बाद में पूरे देश का हो गया। आप पूछेंगे, जी क्या कारण था? क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई? क्या उनका उत्साह खत्म हो गया? उनके पराक्रम में कोई कमी आई? ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 1911 में हम अंग्रेजों की चाल को नाकाम करें और 1947 में अंग्रेजों की वही चाल कामयाब हो जाए? उसका एक ही कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे उनके मन में सत्ता और सिंहासन का कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। उनको ना सत्ता चाहिए थी, ना सिंहासन चाहिए था इस देश का। वो तो लड़ रहे थे किसी आदर्श की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और आदर्श और उद्देश्य ये था कि भारत देश अखंड रहे, ये टूटे नहीं, किसी भी स्तर पर ये देश का बंटवारा ना हो। तो आदर्श और उद्देश्य जब ऊंचे होते हैं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है। शायद ईश्वर ने हमारी मदद की। शहीदों के आदर्श बहुत पवित्र थे, बहुत ऊंचे थे, और 1905 का बंटवारा टालने में हम सफल रहे। लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुषों के चेहरे बदल चुके थे। 1947 तक आते आते कई महापुरुषों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंहासन का लोभ जग गया था। कई महापुरुषों के मन में ये तय हो गया था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है या उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये सत्ता और सिंहासन का लोभ जब चढ़ा तो भारत के बंटवारे को हम रोक न सके। एक ही देश में दो दो लोगों ने जब दावेदारी ठोक दी कि मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, उस प्रधानमंत्री पद के लालच ने इस देश को बंटवारा करा दिया। अन्यथा 1947 में भी ये देश बंटता नहीं, ये देश टूटता नहीं, खंड खंड
रहता मने नहीं होता। सत्ता और सिंहासन का लालच आया 1947 में, अपने अपने तरीके से लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की और वो दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिनके मन में ये लोभ है अब उनको ही हम अपना इस्तेमाल करें कठपुतली की तरह से, तो वो ही हमारे बंटवारे को स्वीकार करेंगे। और वही हुआ इस देश। दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने, दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की जिद ने इस देश के दो टुकड़े करा दिए। एक देश में दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, दो देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उस चक्कर में ये देश बटा, नहीं तो बटता नहीं, 1947 में भी नहीं बटता। हमारे देश में यही हुआ जो गड़बड़ी का बीज डाल गया, सूत्रपात कर गया। 1947 के पहले के क्रांतिकारियों का सत्ता और सिंहासन का लोभ नहीं, देश और आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान ये सपना, 47 तक आते आते सत्ता और सिंहासन महत्वपूर्ण हो जाए और अपने को कुर्बान कर देने की और अपने को बलिदान करने की बात पीछे हट जाए तो देश बटता है, और वो बट गया। और वहीं से खंडन शुरू हो गया इस देश के। विभाजन के बीज बोए, फिर विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने तो एक बहुत बड़ी चाल खेली थी कि भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा ना हो, भारत के एक एक राज्य का अलग अलग बंटवारा हो जाए। 565 रियासतें थी, हर रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था कि आप चाहो तो भारत में मिलो, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो स्वतंत्र हो जाओ। तो बहुत सारी रियासतें ये सपना देख रही थी कि हम तो अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर उसमें से एक था, जूनागढ़ उसमें से एक था, भोपाल उसमें से एक रियासत थी, हैदराबाद उसमें से एक रियासत थी। ये तैयार नहीं थे भारत में मिलने के लिए। इनका सपना था कि हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। ये तो भगवान ने उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रस्तुत किया इस देश के लिए, और उन्होंने 565 राजा महाराजाओं को किसी तरह से डरा कर, धमका कर, पुचकार कर, प्रेम करके, मोहब्बत करके भारत में विलय करने के लिए मंजूर करा लिया। वरना अंग्रेज तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे, भारत को छोड़ते समय भारत के 565 टुकड़े हो जाएं, ये उन्होंने खेल खेला। सरदार पटेल नहीं होते तो भारत आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख पा रहे हैं। सरदार पटेल लेकिन भारत के पाकिस्तान बनने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वहां उनकी बहुत सारी चीजें चल नहीं पाई। पाकिस्तान भी नहीं बटता अगर सारी कुछ सरदार पटेल की चली होती तो, पाकिस्तान भी अलग नहीं होता अगर सब कुछ उनकी चली होती तो। जहां तक उनकी चली और जहां तक उनकी सीमा थी करने की, उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को एक कर दिया। लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है इस देश की, और वो कहानी ने हमको मजबूर किया है कि हम भारत स्वाभिमान जैसा अभियान चलाएं। कहानी सीधी सी ये है कि आजादी आई, हमारी सरकार बनी, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सीधी सीधी सी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आज़ादी लाई है उनके सपने क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करे। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे शहीदों के सपने क्या हैं? छोटी छोटी से सपने हैं उनके, बहुत बड़े नहीं हैं। मैं कुछ शहीदों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बड़े शहीद, इस देश के अमर शहीद जिनको कहा जाता है, भगत सिंह, उन्होंने जेल में एक डायरी लिखी अपनी। आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी उनके दो आरोपों के आधार पर। एक तो एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था, और दूसरा उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली माने हमारी आज की ये संसद जो चलती है दिल्ली में, उस जमाने में इसको असेंबली कहा करते थे। तो संसद में बम फेंका था, उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था, बम में कोई छर्रे नहीं थे, कोई गोला बारूद नहीं भरा हुआ था, उसमें कुछ पर्चे भरे हुए थे कागज के और उन पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, ये लिखा हुआ था। और दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजियत को भी भारत छोड़ देना चाहिए।
अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है, उस पर्चे में इतनी ज्यादा स्पष्टता से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आज अंग्रेज भारत से छोड़ते हैं तो उनकी कुछ इज्जत बची रहेगी सारी दुनिया में, नहीं तो कल हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो सारी दुनिया उनको थू थू करेगी। जब हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो दुनिया में अंग्रेजों की बेइज्जती और अपमान होगा, और अंग्रेज आज अगर खुद छोड़कर चले जाएंगे तो उनका सम्मान होगा सारी दुनिया में। ये स्पष्ट रूप से उस पर्चे पर लिखा हुआ था। किसने तैयार किया था वो पर्चा? हमारे देश के जो अमर शहीद भगत सिंह, इनके एक सहयोगी थे मन्मथनाथ गुप्त, उन्होंने वो पर्चा तैयार किया था। और वो पर्चा क्या था? हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना था, उस संगठन का घोषणा पत्र था। इस संगठन की नींव पड़ी थी 1924 में, बनारस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, और चूंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी तो उनको जीवन भर के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया। महासचिव इसके बने थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, कोषाध्यक्ष बने थे मन्मथनाथ गुप्त, फिर इसके प्रचार प्रसार विभाग के मंत्री बने थे शचीन्द्रनाथ लाहड़ी। ऐसे करके क्रांतिकारियों ने यह संगठन खड़ा किया था। इसका एक घोषणा पत्र जारी हुआ था कि हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं, और उस घोषणा पत्र का नाम दिया गया था द रिवॉल्यूशन, माने क्रांति। उसमें कुछ बिंदु तय किए गए थे और वो बिंदु शहीदों के सपनों को बताते हैं। पहला बिंदु यह था कि अंग्रेज भारत छोड़े, दूसरा बिंदु था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत भी भारत छोड़े। अंग्रेजियत को उन्होंने व्याख्यायित किया था, परिभाषित किया था कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे कानून, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी व्यवस्थाएं, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी नीतियां, अंग्रेजों का बनाया गया पूरा का पूरा तंत्र, ये भी भारत से जाना चाहिए। खाली अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, इतने से बात नहीं बनेगी। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्थाएं, अंग्रेजों का सब कुछ जो तंत्र में समाहित है, ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी जाना चाहिए। और आजादी के बाद भारत में स्वदेशी तंत्र आना चाहिए, स्वराज आना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र शब्द पर जोर था उस घोषणा पत्र में। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे अपने कानून होने चाहिए। ये सब कुछ रिवॉल्यूशन में लिखा गया था, और ये रिवॉल्यूशन जारी हुआ 1924 में। ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में फेंका था बम के साथ, संक्षिप्त रूप। और उन्होंने कहा था कि इस कार्य के लिए अगर हमको अपना बलिदान देना है, कुर्बानी देना है, तो भी हमें मंजूर है। तो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी तंत्र सब खत्म करना था, ये हमारे देश के शहीदों का सपना था। खाली अंग्रेजों को भगा देना है, इतने से बात नहीं बनने वाली थी। महात्मा गांधी ने तो आज़ादी के समय 1946 में ये बात कही थी बहुत स्पष्टता से। किसी अंग्रेज पत्रकार ने, जो लंदन से आया था गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए, बीबीसी का पत्रकार था, उसने जब गांधी जी को ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेज चाहें तो भारत में मेहमान बन के रह सकते, लेकिन हमें अंग्रेजियत को इस देश से विदा करना है। अंग्रेज चाहें तो इस देश में रहें मेहमान बन के, जब तक उनकी इच्छा हो, हम उनके मेहमान बनकर इस देश में रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जो तंत्र बना दिया है इस देश में गुलामी का, जो कानून बना दिए हैं, वो तो हमें नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी, उसे तो हम खत्म करेंगे इस देश में। अब आप जानते हैं महात्मा गांधी का रास्ता था अहिंसा वाला, शहीद आजम भगत सिंह का रास्ता था हिंसा वाला, दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले क्रांतिकारी। मैं इन दोनों को कैंची जैसा मानता हूं। कैंची होती है ना, उसमें दो फाले होते हैं, दोनों ही काटते हैं, एक हिंसा से और एक अहिंसा से। ये दोनों ही तरह के क्रांतिकारी भारत की आजादी की कैंची जैसे थे, जो काटना चाहते थे इस पूरी गुलामी की बेड़ियों को, एक अपने तरीके से, दूसरा अपने तरीके से। तरीके अलग थे, उद्देश्य एक ही था।
ये कितनी अद्भुत साम्यता है कि शहीद आजम भगत सिंह 1924 में, रामप्रसाद बिस्मिल 1924 में, चंद्रशेखर आजाद 1924 में जो बात कह रहे हैं, गांधी जी उसी को कह रहे हैं 1946 में। वो कह रहे हैं हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए, और 1924 में ये क्रांतिकारी कह रहे हैं हमें भी अंग्रेजियत नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वदेशी तंत्र चाहिए, स्वराज्य चाहिए। इसका मतलब ये है कि अहिंसावादी क्रांतिकारी हों या हिंसावादी क्रांतिकारी हों, सपने दोनों के एक ही थे, कार्य दोनों का एक ही था, उद्देश्य दोनों का एक ही था, बस उद्देश्य को हासिल करने का तरीका अलग अलग था। हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह वाले रास्ते पे चलने वाले एक और महान क्रांतिकारी हुए सुभाष चंद्र बोस। 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ा और उनके कुछ मित्रों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फौज बनानी है जो भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों के ऊपर हमला करे और इस भारत को सशस्त्र क्रांति के रास्ते से आज़ाद करे, इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूँ। तो उनके मित्र कहा करते थे कि मात्र इसलिए कि अंग्रेजों पर हमला करें और अंग्रेज हार के चले जाएं। उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, अंग्रेज चले जाएं, उस देश की व्यवस्था को बदलने का काम शुरू किया जाए, इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूँ। और छोड़ा उन्होंने भारत, बनाई आज़ाद हिंद फौज और किया हमला अंग्रेजों के ऊपर, और कुछ हद तक वो सफल और सार्थक भी हुए उसमें। मैं आपके दिमाग में एक ही बात डालना चाहता हूं कि हिंसा वाले या अहिंसा वाले, दोनों ही रास्ते पर चलने वाले क्रांतिकारियों के मन में एक बात स्पष्ट थी कि हमें वो भारत तो नहीं ही चाहिए जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया, हमें तो कुछ नया भारत चाहिए। अब होना क्या चाहिए था, आज़ादी मिली 46 में हमारे देश में ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, और उसके बाद हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी। 17 सितंबर 1946 से इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और उसने कामकाज अपना संभाल लिया था, और अंग्रेजों की तैयारी थी कि ये जो अंतरिम सरकार है इसी को सत्ता का हस्तांतरण करके वो जाएंगे। तो 1946 में तय हो गया अंग्रेज चले जाएंगे, घोषणा भी हो गई। तो सरकारों को क्या करना चाहिए था कि सारे शहीदों के, वो हिंसा वाले रास्ते के हों या अहिंसा वाले रास्ते के, उनके सपनों को, उनके आदर्शों को, उनके घोषणा पत्रों को इकट्ठा करके सरकार को अपना नीति पत्र और घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि भाई आज़ादी के बाद तो हम तो इनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये आज़ादी पाई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहीदों के विचारों को, उनके घोषणा पत्रों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को सब दरकिनार कर दिया गया और भारत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे शहीद कभी भी तैयार नहीं। अब दर्द क्या है इस देश का, वो ये है कि हम भारतवासी हैं, आज भी विदेशी व्यवस्थाओं में जीवित हैं। हम एक तरफ कहते हैं आजाद हो गए हैं, लेकिन गुलामी के सारे कानून अभी भी हमारे ऊपर लदे हुए हैं। एक भी कानून इस देश ने आजादी के बाद खत्म नहीं किया जो अंग्रेजों ने गुलामी के लिए लाया था। इसलिए भारत स्वाभिमान मानता है कि ये आजादी अधूरी है, ये स्वराज्य अधूरा है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये एक तरह की परतंत्रता और गुलामी की ही स्थिति है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले इस देश पर राज करने वाले गोरे अंग्रेज थे, अब राज करने वाले कुछ काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं। इससे ज्यादा कोई अंतर इस देश की व्यवस्थाओं में नहीं आया। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी, आप सभी जानते हैं, उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेपी सैंडर्स, उसको गोली मार दी थी लाहौर में। सैंडर्स को गोली क्यों मारी थी? सैंडर्स वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस देश के एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से इतना वार किया था कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। सैंडर्स नाम के जिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया, वो अधिकारी को जब पूछा गया कि तुमने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज क्यों किया, तो उसने कहा मेरा अधिकार था, मेरा कर्तव्य था। उसको जब पूछा गया कि तुम्हारा अधिकार कहां से आया,
तो उसने कहा एक कानून इस देश में लागू है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, उसने मुझे अधिकार दिया है लाठी चार्ज करने का। तो जड़ कहां थी? इंडियन पुलिस एक्ट नाम के कानून। और इंडियन पुलिस एक्ट का जब कानून इस देश में बना और लागू किया गया तो वो साल था सन 1860। 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून इस देश में लागू किया था, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून लंदन से पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था और भारत में इसको लागू किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस कानून के समय की जो बहस हुई थी उसके सारे दस्तावेज हमने निकाले और उनको बड़े बारीकी से और ध्यान से पढ़ा। अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई क्यों? क्योंकि 1860 के पहले इस देश में पुलिस नहीं होती थी। आज हम बोलते ना पुलिस कानून व्यवस्था का रक्षण करने के लिए है, 1860 में जब पुलिस बनी थी तो उसका ये उद्देश्य नहीं था कानून व्यवस्था का रक्षण करना, उनका उद्देश्य था भारत के क्रांतिकारियों को जमकर मारना पीटना और उनके ऊपर अत्याचार करना। इसलिए इस कानून में एक व्यवस्था की गई कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस दिया गया, किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को राइट टू डिफेंस नहीं मिला। इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, राइट टू ऑफेंस क्या होता है और राइट टू डिफेंस का मतलब क्या है। अगर कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी के दिल में आए कि मुझे इसको लाठी से पीटना है, वो पीटेगा, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। मारेगा, पीटेगा, सिर फोड़ देगा, टांगे तोड़ देगा, लहूलुहान कर देगा आपको, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। लेकिन जो पिट रहा है, अगर वो लाठी को पकड़ेगा तो उसका अधिकार उसको नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है उसको। राइट टू डिफेंस नहीं है इसका माने आप पिटते रहिए। अगर आपने लाठी पकड़ी तो कानून कहता है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा कि आपने एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है? आपका सिर फोड़ देना लाठियों से, टांगे तोड़ देना, यह उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और आप अगर लाठी पकड़ रहे हैं अपने बचाव के लिए तो आप उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, तो मुकदमा आपके ऊपर चलेगा ना कि पुलिस अधिकारी के ऊपर। ऐसा कानून इंडियन पुलिस एक्ट। तो सैंडर्स के खिलाफ जब अदालत में बात गई और सैंडर्स ने यह जवाब दिया कि मुझे तो कानून ने अधिकार दिया था, मैंने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां मारी तो यह कानून है, मैंने उसका पालन किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, और सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, उसको कोई सजा नहीं मिली क्योंकि अदालत ने कहा कि हम तो कानून के आधार पर फैसला कर सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते। न्याय देना एक अलग चीज होती है, कानून के आधार पर फैसला करना बिल्कुल अलग चीज होती है। न्याय तो ये कहता है कि जिस सैंडर्स ने लाला जी को मारा लाठियों से, सिर फोड़ दिया, उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था, क्योंकि लाला जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था इस देश का जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। वो तो एक शांति सभा करने की तैयारी कर रहे थे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की और अंग्रेजी सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे थे, कोई घर नहीं जला रहे थे, कोई बस को नहीं तोड़ रहे थे, कोई पुलिस जीप को नहीं तोड़ रहे थे, किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई वार नहीं कर रहे थे। वो तो शांति के साथ रॉलेट एक्ट भारत में लागू ना हो उसके खिलाफ एक सभा की तैयारी कर रहे थे। उस समय लाठियां बरसाई गई बिना उनको चेतावनी दिए हुए और उसमें उनकी मौत हुई। मुकदमा चला तो सैंडर्स बरी हो गया क्योंकि कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उस कानून के आधार पर अदालत ने फैसला दे दिया कि सैंडर्स का कोई कसूर नहीं है। बाद में उसका प्रमोशन करने की बात हुई तब भगत सिंह को गुस्सा आया, और शहीद आजम भगत सिंह को अकेले गुस्सा नहीं आया, उनके जो सहयोगी थे चंद्रशेखर आजाद उनको भी गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी शासन और न्याय व्यवस्था में हमको इतना भी न्याय नहीं मिल सकता कि हम हमारे क्रांतिवीर लाला लाजपत राय की मौत के बारे में सोच सकें, समझ सकें और उसका कोई रास्ता निकाल सकें, समाधान निकाल सकें, इतना भी नहीं मिल सकता। तो भगत सिंह ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कानून अपने हाथ में लेकर न्याय करना पड़ेगा, और उन्होंने वो किया, सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया। मारने की कहानी वो आप सबको मालूम है, इसलिए सुनाना नहीं चाहता। और गुस्सा इतना था भगत सिंह को
कि एक ही गोली में सैंडर्स मर गया था, फिर भी दो गोली और चलाई उन्होंने उसके शरीर पर, इतना गुस्सा था। और उसके बाद भगत सिंह ने ऐलान किया कि अब मुझे फांसी हो जाए तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने न्याय ले लिया, अब फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं। अपने साथियों को एक दिन मीटिंग में बात करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि ये सैंडर्स का मरना जरूरी था, नहीं तो ये दूसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, तीसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, चौथे किसी लाला लाजपत राय को मारता, और हमारे पास लाला जी जैसे लोग बहुत कम हैं जो देश की आज़ादी के बारे में इतना काम कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरे लाला लाजपत राय को खो नहीं सकते, उससे बेहतर है कि हम सैंडर्स को विदा करें, इसलिए सैंडर्स का मरना जरूरी था। और उसके बाद की घटना तो आप जानते हैं, असेंबली में बम फेंका तो वो घोषणा पत्र अंग्रेजों तक पहुंचे इसके लिए, इन दोनों ही आधार पर फांसी हुई। तो मुझे जो कहना है वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह को जिस कारण से फांसी हुई, वो कारण तो 15 अगस्त 1947 के बाद बदल जाना चाहिए था। जिस कानून ने लाला जी के सिर पर लाठियां बरसाई, वो कानून तो जला दिया जाना चाहिए था इस देश में। सैंडर्स जैसे अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया, आजादी के बाद किसी पुलिस अधिकारी को ये राइट टू ऑफेंस कैसे दिया जा सकता है जो अंग्रेजों ने कभी दिया अपने अधिकारियों का, इस पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में। लेकिन दुख और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर सैंडर्स ने लाला जी को लाठियां मार मार के शहीद कर दिया, वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में चल रहा है और उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज किया करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती है। होता है कि नहीं इस देश? आप अपनी कोई संवैधानिक मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए, आप अपने अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब भी सरकार के सामने जाते हैं, पुलिस बर्बरता से लाठियों से पीटती है, मारती है, सिर फोड़ देती है, टांगे तोड़ देती है, ये आज भी होता है। मन में अभी थोड़े दिन पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं टेलीविजन बनाया है जिसका नाम है नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन, जो आंखों से देख नहीं सकते, उन अंधे लोगों के संगठन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम कुछ नहीं था, अंधों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखनी थी और उनकी मांग बिल्कुल वाजिब थी और उनकी मांग साधारण सी थी, कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी कि हर एक अंधे के साथ एक ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने का मुफ्त अधिकार दिया जाए जो उसको सड़क दिखाता है, पार कराता है। साधारण सी मांग थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी। इस पर जंतर मंतर पर अंधे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कोई सरकार के सामने ज्ञापन रखने की बात सोची। पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया, 17 लोगों के सिर फाड़ दिए, सिर फट गए 17 लोगों के। और उस दिन का दृश्य यह था कि अंधों के साथ जिनको दिखाई देता था वो तो भाग लिए इधर उधर की गली में क्योंकि उनको रास्ता पता था, लेकिन अंधे तो भाग नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, उनके तो सिर फट गए इस देश में। उस दिन मैंने सोचा, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? क्या हम आजाद हो गए हैं? इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है? आजादी के 62 साल के बाद अगर ये देखना पड़ रहा है हमको अपनी आंखों से। एक दूसरी घटना सुनाता हूं। हमारे देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है, जैसे अंधों का है वैसे विकलांगों का है। जिनको कभी पोलियो हो गया, जिनके पांव खराब हो गए, पांव सूख गए, वो चल नहीं सकते, वो साइकिल रिक्शा से चलते, तो विकलांग लोगों का एक एसोसिएशन, उन्होंने कोई एक कार्यक्रम करने का तय किया और उस कार्यक्रम में एक उन्होंने रैली निकाली। उस रैली के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ और विकलांग जो भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, उनके सिर फूटे उसमें।
एक तीसरी घटना सुनाता हूं आपको। हिंदुस्तान में राजस्थान एक नाम का राज्य है, उस राजस्थान राज्य के कुछ किसानों ने एक संकल्प लिया कि हमारे गांव को पीने का पानी मिलना चाहिए, हमारे खेत को पीने का पानी मिलना चाहिए, इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम हो। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला लिया था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें तो खोली जाएंगी, पीने का पानी मिले या ना मिले। और बहुत दुख और अफसोस है कि ये फैसला जिन्होंने किया था वो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी राजस्थान। उनका फैसला था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलें, लोगों को शराब मिले पीने को, पिलाने को, शराब में डुबो दो पूरे राजस्थान को। ये एक ऐसी पार्टी की सरकार का फैसला था जो भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता में शराब में डूब जाएं हम सब और डुबो दें सबको, ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है। सरकार का फैसला था, किसानों ने विरोध किया, किसानों ने कहा हमको शराब नहीं चाहिए, हमको तो पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेत को पानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कोई रैली निकाली तो पुलिस ने उस रैली के ऊपर गोलियां चलाई और बीसियों किसानों की मृत्यु हो गई उसी क्षण। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, देश आजाद हो गया है, देश स्वतंत्र हो गया है, इस देश के अन्नदाता के ऊपर, इस देश के उत्पादनकर्ता, सबसे बड़े उत्पादनकर्ता किसान के ऊपर अगर इस देश की नौकर पुलिस गोली चलाती है, नौकर मालिक की स्थिति में आता है और मालिक नौकर की स्थिति में आ जाता है, कैसी आजादी है, कौन सी स्वतंत्रता इस देश। और ये राजस्थान सरकार का अकेला कहानी नहीं है, बंगाल सरकार की कहानी भी ऐसी है। वो बीजेपी की सरकार थी, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। सिंगूर नाम का एक गांव है, वहां के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए, जमीन की सुरक्षा करने के लिए कोई आंदोलन छेड़ा, सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन छीनना चाहती थी, किसान जमीन देना नहीं चाहते थे, झगड़ा सरकार और किसानों का हुआ, सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई, 17 किसान एक ही दिन एक ही समय में मारे गए, जमीनें छीन कर एक बड़ी कंपनी को बेची गई, वहां झगड़ा हुआ। और उस दिन फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी की सरकार की पुलिस हो या कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस हो, पुलिस एक ही है, पुलिस का चरित्र एक ही है, पुलिस का कानून एक ही है, पुलिस की व्यवस्था एक ही। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी पुलिस ऐसे ही काम करती है। इसका मतलब यह है कि सरकारें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई की भले बदलती रहें, पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी ही चलती है जो 150-250 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी। अगर पुलिस व्यवस्था 150-250 साल पुरानी है और पुलिस का कानून 1860 के साल का है और वो आज भी चलता है आजादी के 62 साल के बाद, तो हमको भारत स्वाभिमान की तरफ से ये कहना पड़ता है कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज्य स्थापित हुआ नहीं है, इसलिए हमको भारत स्वाभिमान की जरूरत पड़ी। कब बदलेगा ये पुलिस कानून और क्यों नहीं बदलना चाहिए इसको? जिस पुलिस कानून के अत्याचारों के चलते लाखों भारतवासियों को शहादत देनी पड़ी हो, वो पुलिस कानून आजादी के बाद क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों वही कानून चलना चाहिए इस देश? एक और उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों ने 1860 में एक और कानून बनाया था, जैसे ये पुलिस एक्ट बनाया ना, ऐसे एक और कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसको आजकल हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। कलेक्टर नाम का एक अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया 1860 में। उसका काम क्या था? भारत के किसानों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के व्यापारियों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के उद्योगपतियों से पैसे इकट्ठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोष में भरना, ये काम था। इसलिए उसका नाम दिया गया कलेक्टर। कलेक्टर माने टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठे करने वाला अधिकारी कलेक्टर बना इस देश में। अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा में अंग्रेजों को सेलेक्ट किया जाता था,
और भारत में कलेक्टर बना के नियुक्त किया जाता था। उनका मूल काम था गांव गांव, गली गली, नगर नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना, इसके लिए वो हुआ करता था। अब आज़ादी आ गई, 15 अगस्त आ गया, 1947 हो गया, वो कलेक्टर तो अभी भी जिंदा है इस देश में, वो कानून तो अभी भी जिंदा है इस देश में। बस अंतर इतना है कि उसको पहले इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहा करते थे, अब उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहा जाता है। पोस्ट तो वही है, अधिकार तो वही है, व्यवस्था तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के कलेक्टर को हुआ करते थे, उससे कुछ कम अधिकार नहीं है आजादी के 62 साल के बाद। अब अंग्रेजों के समय के कलेक्टर का थोड़ा चेहरा साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो नाम उसका कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। और हमारे देश में ये जो नए कलेक्टरों को तैयार किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम वही है जो 1860 में था, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था। हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा स्थान है, वहां पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए। मैं कभी कभी वहां व्याख्यान देने के लिए जाता हूं, दुर्भाग्य से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि तुम पहले तैयारी करते थे अंग्रेजों के जमाने में, वही तैयारी अब क्यों करते हो, अंग्रेज तो चले गए इस देश से। वो कहते हैं राजीव भाई क्या करें, कानून नहीं बदला, सिलेबस नहीं बदला, जो सिलेबस हम पढ़ते थे उस समय वही आज पढ़ते हैं, कानून भी वही है, इतिहास भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिखकर छोड़ गए थे, अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता हूं, इसलिए लगता नहीं कि कोई आजादी और स्वतंत्रता इस देश को मिल गई। और एक उदाहरण देता हूं, 1860 में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये 1860 में बना, और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, केंद्रीय उत्पाद कर का कानून, वो थोड़ा पहले आया, और उसके 1860 में दूसरा आ गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इन दोनों कानूनों को बनाने के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है हमको कि ये कानून आया क्यों। अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और ये अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1857 में भारत में जो क्रांति हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे, क्रांति नहीं कहते थे, विद्रोह कहते थे, सैनिकों का विद्रोह था ऐसा वो बोला करते थे। तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस विद्रोह ने हमारी कमर तोड़ दी। ये खुद अंग्रेज कह रहे हैं अपनी संसद में। कमर कैसे टूटी, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले से। भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था, उबाल इतना ज्यादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिए मेरठ में 10 मई 1857 की शाम 5 बजे के आसपास, और कई अंग्रेज अधिकारी जलकर उसमें मर गए। जो भागे घरों से निकलकर, मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला, उनको हसीये से काट डाला, गर्दन काट दी उनकी। मेरठ में इतनी बड़ी क्रोध की अग्नि फैली थी उस समय। अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कत्लेआम हो चुका था। एक अंग्रेज दिल्ली में 5 दिन के बाद जिंदा नहीं बचा। फिर जलंधर में शुरू हो गई, होशियारपुर में शुरू हो गई, कपूरथला में शुरू हो गई। फिर ये क्रांति की लहर बरेली पहुंची, शाहजहांपुर पहुंची, सहारनपुर पहुंची, भारत के 350 स्थानों पर ये क्रांति 1 सितंबर 1857 तक फैल चुकी थी। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज इसमें मारे गए इस क्रांति में, और भारतवासियों ने उनको हसियों से काट दिया या लाठियों से पीट कर मार दिया, ऐसी स्थिति थी। माने साधारण भारतवासियों के मन में इतना गुस्सा और इतना प्रतिशोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को खत्म किया। ये गुस्सा क्यों था, उसके कई कारण थे, उनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज बेतहा इस देश को लूट रहे थे, बेइंतहा लूट रहे थे,
धन संपत्ति लोगों का लूट लूट कर इस देश से लेके लंदन जा रहे। अंग्रेज कितना लूट रहे थे इस देश को, एक ही उदाहरण देता हूं, सारे उदाहरण देने का तो समय नहीं है, वक्त नहीं है। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूटकर जो धन जमा हुआ था वो लेके लंदन गया था। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेशी हुई थी और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि तुम भारत से क्या लेके आए, तो उसने कहा भारत से नहीं लाया, भारत के एक राज्य के एक शहर के एक इलाके से कुछ लेके आया। करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट, उसने कहा पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है और हम अंग्रेजों को हजार साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे, मैंने तो भारत का एक राज्य बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है और वो धन मैं यहाँ लेके आया। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कितना धन लेके आए, उसने कहा गिना नहीं है, गिनती नहीं की है, तो अंदाजा बता दो। तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन मैं लूट कर लाया हूँ वो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात हैं और बेशकीमती धातुएं हैं, ये सब भर भर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे। और ये घटना जिस समय की है, उस समय का पानी का एक जहाज इतना बड़ा होता था कि उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आता था। आज जो पानी के जहाज हैं उनमें 250 से 1000 मीट्रिक टन सामान आता है, कुछ कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जिनमें 2500-3000 मीट्रिक टन सामान आता है। इस समय के जहाज बहुत विशालकाय हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो जहाज हुआ करते थे 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल लेके जाते थे। अब एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आए, एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम हो और ऐसे 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात अगर एक अंग्रेज लेकर जाए तो कितनी बड़ी लूट है, अंदाजा लगाइए। और ऐसी लूट किसी एक अंग्रेज ने नहीं की थी, जितने अंग्रेज आए सबने लूटा इस देश। दस्तावेज बताते हैं कि ये अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव, वो लूट के ले गया, 7 साल वो इस देश में रहा, लूटता रहा। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा। फिर उसके बाद कर्जन आया, उसने लूटा। फिर लिनलिथ को आया, उसने लूटा। फिर लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा। फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा। और ये लूट का सिलसिला तब तक चलता रहा जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश का आखिरी गवर्नर जनरल बन के आए। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होकर और माउंटबेटन तक अंग्रेजों के 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए, सबने लूटा। किसी ने 7 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 3 साल। और ये सारा धन इकट्ठा हो होकर लंदन पहुंच गया। इस धन की ताकत पर अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति की, वरना इंग्लैंड के पास औद्योगिक क्रांति करने के लिए पूंजी नहीं थी। एक अंग्रेज की डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। उस अंग्रेज का नाम था जेम्स वॉट, आपने सुना होगा, भाप के इंजन का आविष्कार उसने किया। जेम्स वॉट अपनी डायरी में लिखता है कि अगर मेरा जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत प्रवास के पहले हो गया होता तो मैं और मेरा आविष्कार दोनों ही मर गए होते। डायरी में आगे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा आविष्कार क्यों मर गए होते, तो जेम्स वॉट कहता है कि किसी भी आविष्कार को फलीभूत होने के लिए, औद्योगिक तकनीकी में बदलने के लिए बहुत बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, बहुत धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हमारे इंग्लैंड के पास कभी नहीं होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को नहीं लूटा होता। अब मुझे समझ में आया ये डायरी के दो वाक्य पढ़ने के बाद कि सारे अंग्रेज आविष्कारक जो सफल हुए वो प्लासी के युद्ध के बाद ही सफल हुए, जब भारत से लूट कर धन उन्होंने लंदन में जमा करना शुरू किया, तब उस धन से उन्होंने उद्योग बनाना शुरू किया, तब उस धन से उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई। वरना तो भुखमरी का शिकार था इंग्लैंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड सबसे गरीब देश था दुनिया का।
इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इंग्लैंड के इतिहास में लिखा है कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। इतना बुरा हाल था इंग्लैंड का। कुल आबादी जिस देश की 6 करोड़ हो और उसमें 3.5 करोड़ भूख से मर जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आधी आबादी भूख से मर गई क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने कपड़ा पहनना भारत से सीखा, अंग्रेजों ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा। भारतवासियों के संपर्क के पहले तो इंग्लैंड में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, पहनना भी नहीं जानता, नंगे रहते थे आदिवासियों की तरह से, वनवासियों की तरह। तो ये तो सारी की सारी कहानी है भारत के लूट की, यहां का पैसा वहां गया। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई 1860 में और ये तय हुआ कि भाई भारत की जो क्रांति हुई 1857 की, उसका बड़ा कारण क्या था। तो एक अंग्रेज कहता हमने लूटा भारत को, ये बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या था, तो एक अंग्रेज कहता हमने मार मार के भारतवासियों को ईसाई बनाया जो वो बनने को तैयार नहीं थे, दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था, एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कत्लेआम किया भारत में, वो बड़ा कारण था। आप जानते हैं सबसे पहला कत्लखाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कलकत्ता में। गाय कटती थी और हिंदुस्तानियों की छाती पर छुरी चलती थी, गाय कटती थी। तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में, अंग्रेजी दस्तावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक एक अंग्रेज बयान दे रहा और वो बता रहा ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई। अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है इन सबसे कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किसने दिया, धन भी तो इकट्ठा हुआ होगा। तो एक अंग्रेज जो यहाँ हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लैंड पहुंच गया, वो कहता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई जिसको भारतवासी कहते हैं, हम कहते हैं बगावत और विद्रोह, वो कहते हैं आज़ादी की लड़ाई, इसमें 480 करोड़ रुपये खर्च हुआ है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये रकम कहाँ से आई, तो भारत के उद्योगपतियों ने दी, व्यापारियों ने दी, कारीगरों ने दी, किसानों ने दी, लोगों ने इतना धन इकट्ठा किया था इस क्रांति के लिए। इस 480 करोड़ को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना, तब इसको आज समझ पाएंगे आप। इतनी बड़ी क्रांति थी 1857। इस क्रांति में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी इस देश में, और उन 4.5 करोड़ तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में, उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी, ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी। कितने करोड़ लोगों ने, कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गलाया होगा, उन लोहों से तलवारें बनी होंगी, बंदूकें बनी होंगी, छुरे बने होंगे, हसिए बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, क्योंकि भारतवासी तो इन्हीं से लड़े थे। माने कोई सामान्य नहीं थी ये क्रांति, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी और एक साथ 350 स्थानों पर हुई थी, एक दो स्थान पर नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी बहस हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा पैसे किसने दिए, तो उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दोबारा कभी भारत के लोग क्रांतिकारियों को पैसे दे ना सकें, उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो सब, छीन लो उनसे। तो कैसे छीनोगे, टैक्स लगा के छीनो। इसलिए इस देश में इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी। इनकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो क्रांतिकारियों को दान में दे सकें, वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें, इसके लिए इनकम टैक्स आया। और इनकम टैक्स जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी लिमिट जानते हैं क्या थी, 97%। माने 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दीजिए। और ये कहानी पूरी तब समझ में आएगी जब और एक जानकारी मैं आपको दूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो, उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी नाम दे दिया।
आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो। और जिस गांव से सामान लेके जाएं वहां ले लो, और जिस गांव में लेके आए वहां ले लो। गांव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो उनसे। ऐसे बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई 350%, माने 100 रुपए का सामान बनाओ तो 350 रुपए टैक्स में दे दो उनको। इनकम टैक्स लगा दिया 97%, 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास। सेल्स टैक्स लगा दिया 180 से 250% तक, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑक्ट्रॉय लगा दिया 50 से 60%। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई स्थानों पर 70 से 80%। परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लैंड। 1860 के पहले क्या होता था, लूटने का काम एक ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उनके एजेंट हुआ करते थे। और 1860 के बाद पूरी सरकार ही लूटखोर हो गई, जिन्होंने कानून बनाकर लूटना शुरू कर दिया इस देश में। अब भारतवासी चिल्लाते थे कि हमारी लूट हो रही है, अंग्रेज कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। कानून बना दिया इनकम टैक्स का, कानून बना दिया सेंट्रल एक्साइज का, कानून बना दिया ऑक्ट्रॉय का, तो अंग्रेज कहा करते थे हम तो कानून का पालन करते हैं, अब आपकी लूट हो रही है तो हम क्या करें इसमें। कितनी बेईमान और हरामी कौम है ये अंग्रेजों की। लूटना है तो कानून बना दो और दूसरों को उल्लू बनाओ कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, भरे उसकी जेब कटे उसमें। ऐसे लूटोगे तो बदनामी होगी, सारे दुनिया के देश थूथू करेंगे कि तुम भारत को लूट रहे हो। लूटने का कानून बना दो तो दुनिया को कहेंगे भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, उसमें आपकी लूट होती है तो हम क्या करें। ये व्यवस्था कैसे, गाड़ियों में बैठकर, एसी गाड़ियों में बैठकर डांडी मार्च, साबरमती से निकले 5-7 किलोमीटर पैदल चले, गाड़ियों में भर गए, डांडी से 5-7 किलोमीटर पहले उतर गए, गाड़ियों से पैदल चल गए, अखबार वालों को फोटो आया डांडी मार्च कर रहे हैं। मैंने उस समय यही कहा था कि डांडी मार्च का पाखंड करने से अच्छा है नमक को सस्ता कर दो, जो गांधी जी की आत्मा कहा करती थी, वही ये देश आपको स्वीकार कर लेगा। नमक 15 रुपए किलो और डांडी मार्च की याद दिला रहे हैं हमको, हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं ये सब। इतने अत्याचारी और अन्यायकारी हैं कि गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको 15 रुपए किलो का नमक खाना पड़े तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए हो इस देश में, उसको 90 रुपए किलो दाल मिले, 60 रुपए किलो टिंडा मिले, 40 रुपए किलो की भिंडी मिले, 24 रुपए किलो का आलू मिले, 23 रुपए किलो की प्याज मिले, 32 रुपए किलो की चीनी मिले, आप उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दाल को खाए नहीं, सिर्फ देखकर अपना दिल बहलाए कि ये दाल है, छू के देख लो, ये सब्जी है इसकी शक्ल देख लो, कैसे खाएगा। 20 रुपए किलो जिसकी एक 20 रुपए की एक दिन की आमदनी हो, वो तो 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1 किलो आटा 26 रुपए का है। मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ रही है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज आया नहीं है, ये तो आजादी के नाम पर लूट का एक नया तंत्र बन गया है इस देश में। पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था, अब काले अंग्रेजों के हाथ में है। मैं जब भी इन नेताओं से कभी कभी मिलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए आप हर साल टैक्स का हमसे ले लेते हो, आखिर ये जाता कहाँ है। एक साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, ये नहीं कि 60 साल में हर साल आप लेते हो, कहाँ जाता है। विकास क्यों नहीं हो रहा है इस देश का, 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पर जिंदा क्यों है। आजादी के
मिलने के समय में घटना हुई थी, आजादी के थोड़े दिन के बाद की घटना एक सुनाता हूँ। आप में से कई बुजुर्गों को शायद वो घटना याद भी होगी, क्योंकि आपने तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा। मैंने तो पढ़ा है सिर्फ उस घटना के बारे में, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक। एक इस देश के महान नेता हुए आचार्य राम मनोहर लोहिया। एक बार पंडित नेहरू से उनकी मुठभेड़ हो गई संसद में। लोहिया जी चुनाव जीतकर एक बार लोकसभा पहुंच गए, तो जब जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू जी का भाषण होता था, लोहिया जी सबसे ज्यादा प्रश्न किया करते थे और नेहरू जी की हालत सबसे ज्यादा खराब उन्हीं के सवालों के जवाब देने में होती थी। नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो कहा करते थे कि जब राम मनोहर लोहिया जी का भाषण होता है तो नेहरू जी की हालत खराब हो जाती है, जवाब क्या दें, ऐसे तीखे सवाल किया करते थे। एक दिन नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी योजनाओं ने हमारे देश की गरीबी कम की है, तो लोहिया जी ने कहा कि सफेद झूठ मत बोलो। नेहरू जी ने कहा वो कैसे, उन्होंने कहा कि गरीबी कम नहीं है, ज्यादा हुई है। अंग्रेज जितनी गरीबी छोड़कर गए थे, भारत सरकार ने गरीबी को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। तो बहस हो गई लोहिया जी और नेहरू जी में, तो लोहिया जी ने कहा कि मैं सिद्ध करता हूं तुम्हारे ही आंकड़ों से कि गरीबी इस देश में बढ़ी है कि कम हुई है। तो लोहिया जी ने एक अध्ययन करके संसद में प्रस्तुत किया और सारे देश को उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक आदमी की एक दिन की आमदनी ढाई आने से कम है। और अंग्रेज जब छोड़कर गए थे इस देश को, तब एक आदमी की एक दिन की आमदनी लगभग 4 से 5 आने के आसपास थी। पंडित नेहरू की नीतियों के चलते और पंचवार्षिक योजनाओं के चलते वो 5 आने की आमदनी ढाई आना हो गई है, माने गरीबी दोगुनी बढ़ गई है। ये लोहिया जी ने कहा और सिद्ध कर दिया। नेहरू जी जवाब नहीं दे पाए उसका, क्योंकि आंकड़े सरकार के थे, लोहिया जी के आंकड़े नहीं थे। और लोहिया जी ने कहा कि हमारी दिशा गलत है, जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं ये दिशा तो गरीबी को बढ़ाने वाली है, अमीरों को अमीर बनाएगी ये, गरीबों को और ज्यादा गरीबी आएगी, ये ऐसी दिशा में हमने भारत को चलाना शुरू किया है। और वो नेहरू जी को जब गुस्से में आते थे तो नेहरू पंडित कहा करते थे, पंडित नेहरू नहीं कहते थे, वो कहते थे नेहरू पंडित अभी भी समझ जाओ, उल्टी दिशा में देश को तुमने चला दिया। लेकिन लोहिया जी चले गए, उसके बाद नेहरू जी भी चले गए। अब लोहिया जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे संसद में कि एक दिन की आमदनी एक गरीब आदमी की ढाई आने से कम है, उन आंकड़ों को मैंने 2009 में थोड़ा वेरीफाई किया, और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि 60 के दशक में जो इन्फ्लेशन का रेट था, मूल्य वृद्धि का जो दर थी, उसको मैंने जोड़कर अगर आंकड़े निकाले तो वो ढाई आना आज भी ही है, वो ढाई आना 20 रुपया हो गया है, क्योंकि रुपए की कीमत गिर गई है। माने लोहिया जी के जमाने में गरीब की एक दिन की आमदनी जो ढाई आना थी, अब 2009 में वो ढाई आना ही है। अगर आप उसमें रुपए की कीमत के घटाव को जोड़ दें तो वो 20 रुपए निकलता है। माने देश वहीं खड़ा है जहां 1960 में था, और गरीबी उससे ज्यादा बढ़ी है इस देश। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो 4.5 करोड़ लोग गरीब थे, अब आजादी के 64, 62, 63 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई। आबादी का भी हिसाब बताता हूं, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हम 32 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हो गए, हमारी आबादी 3.5 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12-13 करोड़ लोग गरीब होना चाहिए, 84 करोड़ क्यों हो गए? गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई? आबादी तो 3.5 गुनी ही बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़ गई? उसका एक ही जवाब है कि इस देश के नेताओं की लूट जो हो रही थी अंग्रेजों के जमाने में, जो लूट रहे थे अंग्रेज, वो अब 21 गुना ज्यादा बढ़ गया है, वो लूट ज्यादा बढ़ गया। पहले 70,000 करोड़ लूटते थे, अब 20,00,000 करोड़ लूट रहे हैं, इसलिए गरीबी बढ़ गई है। हर वो देश गरीब होता है जिसकी लूट होती है। और ये मैं नहीं कहता, राजीव दीक्षित नहीं कहता, ये बात राजीव गांधी ने कही कि लूट कितनी है इस देश।
आप सभी जानते हैं राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1984 में एक बात कही थी कि मैं जब दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, माने 85 पैसा लूट लिया जाता है बीच में ही। और वो लूटखोर कौन है? तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के दलाल और हमारे अधिकारी यही लूट रहे हैं इस देश को। अब ये बात कही थी 1984 में जब भ्रष्टाचार कम था, घोटालेबाजी कम थी। अब 2009 आ गया जब भ्रष्टाचार और चरम पर पहुंच गया, घोटालेबाजी और चरम पर पहुंच गई। तो मुझे तो ये लगता है कि उस समय 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में शायद 10 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा गरीबों तक, हो सकता 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। तो जाता कहां है ये पैसा? हम तो इनकम टैक्स में दे रहे हैं, हम तो सेंट्रल एक्साइज में दे रहे हैं, हम तो रोड टैक्स में दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सरकार हर साल बढ़ाती जा रही है, हम बढ़ा हुआ टैक्स भी दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने बढ़ाए हैं सरकार ने जो दुनिया के किसी देश में नहीं बढ़े होंगे, वो सब बढ़ा हुआ टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, कभी हमने कमी नहीं की। लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? विकास तो हो नहीं रहा है। आजादी के 62-63 साल के बाद भी 2.5 लाख गाँव में पीने का पानी नहीं है। 21 करोड़ परिवार हैं इस देश के गांव में रहते हैं, उनमें से सिर्फ 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी है, 14 करोड़ को तो पीने का पानी नहीं है। 3 लाख गांव में चलने की सड़क नहीं है, 2.5 से 3.25 लाख गांव में बिजली नहीं है इस देश में, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, गांव उजड़ रहे हैं, लोग भागकर शहर में आ रहे हैं और शहर में आकर क्या जीवन बिता रहे हैं? जो गांव में रहने वाले बेरोजगार लोग थे वो शहर में आकर नौकरी की तलाश में झुग्गी झोंपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं, बंबई है, दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, ऐसे सारे बड़े शहरों की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है, 65%। आधे से ज्यादा शहर हमारा फुटपाथों पर सोता है, झुग्गी झोंपड़ियों में सोता है। उन झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां बारिश का पानी टप टप टपकता रहता है, उन झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां कीचड़ में कीले बिलबिलाते रहते हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियों में जहां आप नहीं जा सकते नाक पर रूमाल रखे बिना, वहां लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों। इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला है कौन? तो पता चला गांव का विस्थापित किसान, मजदूर, कारीगर, जिसको गांव में कोई काम नहीं मिला वो शहर में आ गया, कुछ रिक्शा चलाने के लिए, रेहड़ी लगाने के लिए, वही है जो रहता है। और आजादी के बाद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, इसका माने विकास कहां हो रहा है? मैंने तो देखा है कि आजादी के 62-63 साल में विकास अगर हुआ है तो नेता और अधिकारियों के घरों में हुआ है, उनके परिवारों में हुआ है, देश में नहीं हुआ है। मैंने हिंदुस्तान के कुछ नेता और अधिकारियों की जन्म कुंडली बनाई है। जन्म कुंडली से मतलब वो नहीं हॉरोस्कोप जो ज्योतिषी बनाते हैं, मुझे नहीं आता ज्योतिष ज्ञान, मैंने तो दूसरी जन्म कुंडली बनाई है, वो ये कि ये व्यक्ति नेता बनने से पहले इसके घर में क्या था और नेता होने के बाद क्या हो गया। अधिकारी का इस पद पर आने से पहले कितना धन संपत्ति था, होने के बाद क्या हो गया। अभी तक लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। अब ये संख्या ही ऐसी है तो मैं करूं क्या उसका। लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। एक एक नेता की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, वो ये 20 साल पहले किसी के पास भी टूटी साइकिल नहीं थी घर में और इतने पैसे नहीं थे कि वो चाय पी सकें अपने जेब से पैसे निकालकर, और आज 20 साल के बाद एक एक के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं आपको, आप सब होशियार हैं तुरंत समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर पुणे से बंबई आना हो तो बस का किराया नहीं था उस नेता के पास। आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन है, अकेले एक नेता के पास, अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास।
20 साल पहले एक नेता था मुंबई में, दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। भाजीपाला समझते पालक मेथी वगैरह वगैरह। आज उसकी संपत्ति खाली मुंबई में 28,000 करोड़ की है, सिर्फ मुंबई। 20 साल पहले एक नेता था नासिक में जो सिनेमा का टिकट ब्लैक किया करता था, आज उसकी प्रॉपर्टी 22,000 करोड़ की है महाराष्ट्र। सभी राज्यों में नेताओं का ये हाल। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है, वहां थोड़े दिन पहले एक अधिकारी पकड़ा गया, सीबीआई के चंगुल में आया, जो उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रह चुका है, अखंड प्रताप सिंह। उसके घर में छापा पड़ा, 480 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली। मैंने अखंड प्रताप सिंह का, वो यूपी कैडर का, आईएएस कैडर का अधिकारी रहा, तो कैडर की फर्स्ट पोस्टिंग से लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी तनख्वाह जोड़ दी मैंने, वो 84 लाख रुपए बैठती है, उसके पास 480 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? और 84 लाख की जो तनख्वाह बैठती है उसमें बीवी बच्चों का खर्चा, पढ़ने का, पढ़ाने का, रहने का कुछ तो हुआ होगा, अब उसकी संपत्ति 480 करोड़ कहां से बैठती? ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता एक दो नहीं है, हजारों में है। और हमने अंदाजा लगाया है, हमारे देश में एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करके संस्था है, एक सीबीआई नाम की संस्था है, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इन सबके मिले जुले आंकड़ों से अंदाजा लगाया है, लगभग 80,000 ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूटा है इस देश का, और लूट कर भारत में नहीं विदेशों में जमा कर रखा है, स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। स्विस बैंक के अधिकारियों का एक एसोसिएशन है, वो बताते हैं कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके यहां 75 लाख करोड़ रुपए जमा है, 1500 अरब डॉलर। स्विस बैंक के अलावा दूसरे देश हैं दुनिया में जहां पर टैक्स हेवंस कहा जाता है, जहां इनकम टैक्स नहीं लगता, वहां 35 लाख करोड़ जमा है, कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए लूट लिया इन नेता और अधिकारियों ने मिलकर पिछले 62-63 साल। अब समझ में आता है कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, मैं जो टैक्स का पैसा देता हूं, वो विकास में नहीं लगता, वो नेताओं की तिजोरियां भरता है, अधिकारियों की तिजोरियां भरता है। और नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी भी स्तर पर नीचे उतरकर आपके पैसे को लूट सकते हैं, इतने हरामी। आप तो मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, नागरिक हैं, इस मध्य प्रदेश में बहुत दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें 17,000 लोग मर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे वसूले थे, 1500 करोड़ रुपए, और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में मृत्यु हुई है। ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए। आप कल्पना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं, इतने निकृष्ट और नराधम किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम अधिकारी और नेता शायद ही किसी देश में मिलेंगे जो इस भारत देश में। दुनिया में समय समय पर सर्वे होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षण हुआ, पता किया गया कि दुनिया में 200 देश हैं, किस देश की नौकरशाही, किस देश के अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और किस देश के नौकरशाह और अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बहुत छोटा सा देश है सिंगापुर, वहां के अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार और कर्मठ हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जहां के अधिकारी और सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा निकम्मे। वो मैं नहीं कहता, अंतरराष्ट्रीय सर्वे की संस्था कहती है। लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं इस देश को, ले जाके धन जमा कर रहे हैं विदेशी बैंकों में। अब ये लूट अगर इसी तरह से चलेगी तो देश तो गरीब ही होगा, और देश में नीतियां और कानून अगर ऐसे बनेंगे जो अंग्रेजों के जमाने में थे, तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और अमीर और अमीर और अमीर, और कुछ लोग तो भयंकर गरीब और भयंकर गरीब भयंकर गरीब हो जाए। इसी देश में मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए, भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं, एक नीति का नाम है उदारीकरण, एक का नाम है वैश्वीकरण, एक का नाम है निजीकरण।
पिछले 1991 से इस देश में चल रही है। 2009 तक इन नीतियों का क्या असर हुआ है उसका मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ, तो पता चला कि इन नीतियों का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो ये कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फायदा अगर उठाया तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी ये वगैरह 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 इन लोगों ने उठाया, और इनकी आमदनी कितनी बढ़ गई है। एक आदमी है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी। अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा कि इस मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी के जन्मदिन पर एक हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया बीवी को, 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज एक व्यक्ति अपनी बीवी को गिफ्ट में देता है, और 84 करोड़ लोग एक दिन में 20 रुपए पर जिंदा रहते हैं। ऐसी विद्रूपता हमको इसी भारत में दिखाई देती। मुकेश अंबानी ने अपनी बीबी को गिफ्ट नहीं दिया, 84 करोड़ लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मारा है कि तुम इतनी गरीबी और जरहालत में हो और मैं देखो कहां पहुंच गया। उस मुकेश अंबानी की आमदनी मैंने निकाली थी, एक मिनट की आमदनी उसकी 20,000 रुपए है, एक मिनट की। और भारत में 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया है, ये देश अभी नहीं बर्दाश्त होता, ये नहीं चलेगा अभी, और चलना नहीं चाहिए इस व्यवस्था को, इस देश को। अब तो कोई बड़ी क्रांति होनी ही चाहिए इस देश में, कोई बगावत होनी ही चाहिए कोई इस देश में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि 1857 से बड़ी कोई क्रांति होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि उस समय तो हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, इसलिए लड़ाई थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी और गंभीर होगी। पहले तो विदेशी थे, हमें दिखाई देता था ये बाहर से आए हैं, लुटेरे हैं, अब तो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही जैसे हैं देखने में, रंग भी हमारे जैसा, कपड़े भी हमारे ही जैसे, वही लूटखोर हो गए। उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, घर के भाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, इसलिए लड़ाई तो कोई बड़ी हो गई। अब उस बड़ी लड़ाई की तैयारी का ही काम हम कर रहे हैं इस भारत स्वाभिमान के नाम से, इसीलिए हमने ये संगठन बनाया। आजादी की लड़ाई हुई 1857 की, 4.5 करोड़ भारतवासी लड़े थे उसमें, हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ भारतवासी तैयार हों अब इस नई लड़ाई लड़ने के लिए, कम से कम इस प्रयास में हम सब हैं। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बदल देना है जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रही है, लूट की व्यवस्थाएं। सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान का जो संगठन हमने खड़ा किया है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसका पहला काम जो हम करना चाहते हैं वो यही कि 62-63 साल इन काले अंग्रेजों ने जो भारत को लूटा है और भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा किया है, सबसे पहले इस पैसे को हम वापस लाना चाहते हैं इस देश। आप बोलेंगे क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। करने वाला संकल्प अगर बड़ा है तो दुनिया में कोई काम मुश्किल और असंभव नहीं है। मैंने तो दुनिया के देशों का इतिहास पढ़ा है, एकदम से असंभव लगने वाली चीजें संभव हुई हैं दुनिया में। एक जमाना था जब कोई ये सोचता नहीं था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, वो हो गए। एक जमाना था जो दुनिया के लोग सपना नहीं देखते थे कि सोवियत संघ जैसा मजबूत देश खंड खंड टूट जाएगा, टूट गया। एक जमाना था कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि कम्युनिज्म का कोई पराभव हो जाएगा, वो हो गया। ऐसी असंभव चीजें अगर दुनिया में हो रही हैं, एक जमाना था, मैंने तो यूरोप में बहुत अभ्यास किया, यूरोप के देशों का इतिहास का, उनकी परंपरा सभ्यता का, यूरोप के सभी देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। जर्मनी फ्रांस को पसंद नहीं करता, फ्रांस जर्मनी को पसंद नहीं करता, जर्मनी और फ्रांस मिलकर ब्रिटेन को पसंद नहीं करते, डेनमार्क नीदरलैंड को पसंद नहीं करता, वो उनको पसंद नहीं करता, एक दूसरे के कट्टर खिलाफ देश हैं।
लेकिन अब सब एक हो गए हैं और उन्होंने एक करेंसी बना ली है जिसका नाम है यूरो डॉलर, जो कभी सपना नहीं था कि 24 देश मिलकर एक करेंसी बना सकते हैं, वो हो गया। अब वो 24 देश मिलकर एक मार्केट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन मार्केट, फिर कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन फोर्स बना रहे हैं, पुलिस बना रहे हैं, ये सब असंभव से होने वाले काम हो रहे हैं। तो भारत में भी कुछ असंभव से दिखने वाले काम संभव हो सकते हैं, और वो यही काम है कि शहीदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किए हैं वो हम पूरा कर पाएं इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हमारी इस बात की कोई तमन्ना नहीं है कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजेपी आए कांग्रेस चली जाए, कांग्रेस आए जनता दल चला जाए, जनता दल आए सीपीएम आ जाए, सीपीआई आ जाए, सत्ताओं को बदलने से देश में कुछ नहीं हुआ। 62 साल हमने करके देख लिया, बस इतना ही हुआ, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ डसा, दोनों ने ही इस देश की जनता, कुछ नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन। अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया उच्च व्यवस्था में बिठाकर, वो भी कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा पवित्र आदमी इस देश का राष्ट्रपति हुआ और 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था का 1% भी नहीं बदल पाया, मतलब क्या है? किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ ये प्रश्न हुआ था, प्रश्न ये था कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी हैं, आप राष्ट्रपति भवन में चुनकर आए हैं तो कम से कम अंग्रेजों के जमाने की कुछ व्यवस्थाओं को बदल दीजिए, तो क्या करना है? राष्ट्रपति भवन को छोटा कर दीजिए, 350 कमरे के घर में एक आदमी रहे, ये देश के 84 करोड़ लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं। एक आदमी 350 कमरे के घर में रहे और 84 करोड़ लोगों के ऊपर छत भी ना हो रहने के लिए इस देश में, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 साल में भी ये काम नहीं कर पाए। वो 350 कमरे का घर अभी भी है राष्ट्रपति भवन के रूप, उस घर में रहने वाला तो एक है, उसका झाड़ू पोछा लगाने वाले 900 कर्मचारी हैं, एक आदमी रहता है 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर हैं, खाना खाने वाला एक है, खाना बनाने वाले 24 हैं, कपड़ा पहनने वाला एक है, कपड़े धोने वाले 18 लोग हैं। और मैंने एक दिन सोचा था कि 350 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है, एक दिन एक कमरे में सोए, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, तो भी पहले कमरे का नंबर 1 साल के बाद आता है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, 1500 जवान लगे हुए हैं अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के, एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा, राष्ट्रपति भवन का साल का खर्चा 350 करोड़ रुपए का है, हिंदुस्तान के 84 करोड़ इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में, राष्ट्रपति अकेला करता है, क्या जरूरत है इसकी? क्यों नहीं छोटा किया जा सकता ये राष्ट्रपति भवन? क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती? क्यों सुरक्षा पर इतना फालतू खर्चा है? कहते हैं जी राष्ट्रपति विशेष है, तो हम सब मूर्ख हैं? 115 करोड़ हम विशेष नहीं है, वो एक ही आदमी विशेष है, हम सब क्या अविशेष हैं? जो लोग राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं साधारण, और राष्ट्रपति जिनसे चुनकर जा रहा है वो विशेष हो गया, और राष्ट्रपति का ही खर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, वाणिज्य मंत्री का, वित्त मंत्री का, मंत्रियों का खर्चा 1000 करोड़ में है, जितना विकास पे खर्च नहीं होता उससे ज्यादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है। मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे, राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में एमएलए, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के एमपी, इनका पूरा साल का खर्चा 3,21,000 करोड़ का है, और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खर्चा मुश्किल से 1,00,000 करोड़ रुपए का है, लोगों पे खर्चा 1,00,000 करोड़ का।
कंधों पर, क्या जरूरत है? इसको तो उठाकर फेंक देना ही पड़ेगा, इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा। बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है, अब ज्यादा दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वो सीमा अब लोगों की टूट रही है, धीरज लोगों का टूट रहा है। अब इसलिए लोगों का संगठन बने, ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हम वही कोशिश कर रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से। और पहला प्रयास हमारा ये है कि लूट का पैसा जो नेताओं ने रखा है अपने नाम से, ये भारत में वापस आए। आप बोलेंगे कैसे आएगा? चार रास्ते हैं इसके आने के। पहला रास्ता है संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के इस पैसे को लाया जाए। संसद में प्रस्ताव क्या कराना है? एक लाइन का प्रस्ताव कराना है कि जो धन भारत के नेताओं ने लूटा है पिछले 62-63 साल में, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्रीय संपत्ति के लिए नियम यह है कि वो राष्ट्र की बैंकों में ही रखी जा सकती है, विदेशी बैंकों में रखना उसके लिए कानूनन अपराध है। तो हम संसद से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं। इसके लिए परम पूजनीय स्वामी जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। आज सवेरे मेरी फोन पर उनसे आधा घंटे चर्चा हुई इस विषय पर। बहुत सारे MP से बात चल रही है, प्रधानमंत्री से भी बातें हो रही हैं, अलग अलग लोगों से बातें हो रही हैं, किसी भी तरह से ये संसद में प्रस्ताव आए। और ये प्रस्ताव जिस दिन संसद में आएगा तो आपको सूचना होगी, जानकारी होगी, आप जरूर देखना टेलीविजन पर, और आप ये देखना कि इस प्रस्ताव का विरोध कौन कौन हरामी नेता कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, हरामी वही है, भ्रष्टाचारी वही है, धन उसी का है, वही ना विरोध करेगा, और कौन करेगा? जब हमको पता चल जाएगा कि ये विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का, तो हमारा संकल्प है कि हम उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और उनकी सारी पोल खोलेंगे कि 20 साल पहले इनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, बाप दादों का छोड़ा हुआ एक रुपया नहीं था, आज हजारों करोड़ इन्होंने स्विस बैंक में रखा, आया कहां से? और चुनाव क्षेत्र में जब उनकी पोल खुलेगी तो लोग खुद ही उनको सजा दे देंगे और अपना न्याय खुद से अपने हाथ में ले लेंगे। हमारी तो कोशिश है कि इस रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले किसी भी नेता को छोड़ने वाले नहीं है हम। अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ देंगे? और इनके लिए कड़े कानून की व्यवस्था है। क्या होना है? स्वामी जी कहते हैं कि बिजली के तार से उल्टा लटकाएंगे और नीचे आग जलाकर उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे। होगा, आप और मैं जब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो सच होगा। जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, तो इन काले अंग्रेजों को भी भगाने का सपना सच होगा। बस कुछ समय का फेर है, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल 2 साल से ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत स्वाभिमान का संकल्प है कि सब कुछ 2 साल में कर देना है, अनंत काल के लिए इसको लटका कर नहीं रखना है। संसद में अगर नेता मान जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, कानून बन जाए, तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा चुपचाप आ जाएगा और दूसरी बैंकों से आ जाएगा 110 लाख करोड़। और अगर संसद से नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हमारी दूसरी तैयारी है, और वो तैयारी ये है कि अगर ये वर्तमान संसद हमारे इस रास्ते में रुकावट बनती है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकती है, तो पूरी संसद भवन को हम बदल देंगे और उसमें नए नेताओं को चुनकर लेके जाएंगे जो इस काम को करेंगे। हमारी तैयारी है कि देश में से 350 से 450 MPs को जिता कर लाएंगे और इस एक विषय पर संसद का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। ये भी तैयारी है, और इससे भी आगे की तैयारी है, 31 राज्यों की विधानसभाएं रास्ते में रुकावट ना बने, उन विधानसभाओं को भी बदल देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अब राजाशाही नहीं है कि राजा का लड़का भी राजा हो जाए और उसका भी लड़का राजा हो जाए।
कि लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग करेंगे, संसद से करवाना है ये काम, वर्तमान संसद करे नहीं तो नई संसद करे। फिर उसके बाद तीसरा रास्ता है और वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था, आपको याद दिलाता हूं। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, यूरिया का एक दाना भारत में नहीं आया। जांच हुई तो पता चला 133 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हो गया, और जांच हुई तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खजाने में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिसके खजाने में ये पैसा है उसकी गिरफ्तारी की जाए, तो प्रधानमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई और वो जेल गया और आज भी जेल में है। दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जिनके खजाने में ये पैसा है, वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, उनकी व्यक्तिगत नहीं है, वो पैसा वापस लाया जाए। तो यहां से अधिकारियों की टीम गई, स्विट्जरलैंड की बैंकों से 133 करोड़ रुपए निकालकर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया। अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, सारे घोटालों का पैसा वापस आ सकता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाते हुए ये काम करवाएं। और एक चौथा रास्ता है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने बड़ा अत्याचार किया है उन सब देशों के ऊपर जिनका पैसा उन्होंने अपने यहां रखा हुआ है। आप जानते हैं कितने चालाक लोग हैं ये। स्विट्जरलैंड की बैंकों में जहां ये पैसा जमा होता है वो बैंक उस पर ब्याज नहीं देते जमा करने वालों को, उल्टा जो जमा करता है उससे सर्विस चार्ज लेते, और उस पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दूसरे देशों को कर्जे में बांट देती है और उस पर ब्याज लेकर अपना धंधा चलाते रहते हैं। इतने चालाक लोग, उनकी इस चालाकी को दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि भारत जैसे 50 देशों के भ्रष्टाचारी लोगों का पैसा उनके यहां जमा है। उन 50 देशों को हम इकट्ठा करेंगे, उनकी तरफ से अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के फैसले के आधार पर इस पैसे को वापस लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा कभी हुआ है? अभी हुआ है। एक उदाहरण बताता हूं, अमेरिका नाम का एक देश है, बराक ओबामा नाम का वहां एक राष्ट्रपति चुन के आया, उसने ये काम किया। बराक ओबामा ने अमेरिका के 4,490 भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा था उसको वापस मंगा लिया अभी थोड़े दिन पहले। उसके लिए बराक ओबामा ने अपनी संसद में एक ही प्रस्ताव पारित किया था कि अमेरिका के इतिहास में जिन नेताओं ने ये पैसा लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है वो अमेरिका की संपत्ति है, और स्विट्जरलैंड की सरकार ने 470 अरब डॉलर अभी अमेरिका को वापस दिया है। तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अंतर इतना ही है कि अमेरिका में एक बराक ओबामा आ गया है, भारत में बराक ओबामा कोई आ जाएगा आने वाले समय में? क्योंकि भारत माता की विशेषता है कि जब जरूरत पड़ती है ऐसे सपूतों को जन्म देती है ये धरती। जरूरत पड़ी तो सरदार पटेल को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह उधम सिंह को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दे दिया, अब फिर जरूरत है तो फिर ऐसा कोई सपूत निकलेगा और करेगा इस काम को, ये विश्वास हमें है और ये पैसा आएगा। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि हम चाहें तो दादागिरी करके भी इस पैसे को ला सकते हैं। सारे कानून एक तरफ दुनिया में है। मुझे तो कभी कभी एक मजाक सूझता है आपको कहने के लिए, आप इस पे हंसे नहीं, बैठ जाइए चुपचाप थोड़ी देर में बात करिए, कि भारतवासी अगर इकट्ठे हो जाएं सबके सब और इकट्ठे होके पेशाब भी कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा, इतना छोटा सा देश। आर्मी नहीं है स्विट्जरलैंड के पास, आपको मालूम है, पुलिस नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो दादागिरी करके सारा पैसा ला सकते हैं, और हम अकेले दादागिरी नहीं करेंगे, 50 देश खड़े हो जाएंगे, भागेगा कहां स्विट्जरलैंड, जाएगा कहां, बैंकें तो इसी दुनिया में हैं उनकी। और अब इतना आसान है ये काम करना, अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन, उसने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दुनिया के सब देश
जिनके खाते स्विट्जरलैंड में है वो बंद करवाएं, अपने खातों को पैसा लेके जाएं, क्योंकि एक नई जानकारी मिली है वो ये कि जिन खातों में भ्रष्ट नेताओं का पैसा है उन्हीं खातों में आतंकवादियों का भी पैसा है। खाते एक ही हैं, ये नई जानकारी अभी आई है, यूनाइटेड नेशंस ने बताया। और यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है, तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि वो सारे नेता आतंकवादी हैं जो धन को अपने अपने देश से लूटकर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में। बस अंतर इतना है कि ये आर्थिक आतंकवादी हैं, वो राजनीतिक आतंकवादी। तो यूनाइटेड नेशन मदद करने को तैयार है हमारी। हो सकता है ईश्वर की कोई योजना है, वरना इतनी अनुकूलता कभी नहीं होती। और ईश्वर की उस योजना में हम तो निमित्त मात्र हैं, करवाने वाला और करने वाला तो कोई और है। वो चाहता है कि भारत माता सुजलाम सुफलाम बने, वो चाहता है कि भारत माता समृद्धशाली बने, वो चाहता है कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बने, वो चाहता है कि भारत का सम्मान फिर से दुनिया में हो, इसलिए वो ये सब करवा रहा है। तो ये पैसा तो आएगा, आने के बाद क्या करना है उसकी पूरी योजना हमने बनाई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। भारत स्वाभिमान की तरफ से थोड़े दिन में हम देश के सामने वो जारी करेंगे, उसके कुछ बिंदु आपसे जरूर कह सकता हूँ। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये 110 लाख करोड़ आएगा, इसमें से सबसे पहला खर्चा करेंगे गांव में उद्योग और व्यापार का विकास करने के लिए। गांव में कोई उद्योग नहीं है, जो भी उद्योग हैं शहरों में हैं, इसलिए गांव के लोग भागकर शहर आते हैं और अपने जीवन जिंदगी में हमेशा दुख पाते हैं। हम चाहते हैं कि गांव में उद्योग लगे। आप बोलेंगे क्या उद्योग गांव में हो सकते हैं, 100 ऐसे उद्योग हैं जो हर गांव में हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। जैसे उदाहरण से बताता हूं, हिंदुस्तान के 2 लाख से ज्यादा गांव में कपास पैदा होती है, कपास से चरखा चलाने का काम हर गांव में हो सकता है, उसमें बिजली नहीं लगती, उसमें पानी नहीं लगता, बस हाथ की मेहनत लगती है। अगर 2 लाख गांव में चरखा चलाने का काम शुरू हो जाए तो सारी कपास का सूत हम गांव में ही बना सकते हैं, और फिर सूत से कपड़ा बुनने का काम भी गांव में हो सकता है, क्योंकि कपड़ा बुनने में भी बिजली नहीं लगती, पानी नहीं लगता, वो हाथ का ही खेल है पूरा। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 2 लाख गांव में सूत बनना शुरू हो जाए, उस सूत का कपड़ा बनना शुरू हो जाए, वो कपड़ा पहनना हम शुरू कर दें, तो इसके लिए भारत स्वाभिमान ने पहला कदम उठाया कि भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को हाथ से बना, हाथ से बुना खादी का कपड़ा अब पहनना ही होगा, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी ने खुद खादी पहनना अब शुरू कर दिया। हम दूसरों से कहें तो पहले हम करें, और ये काम जब हम शुरू करेंगे तो करोड़ों हिंदुस्तानी हमें देखकर शुरू करेंगे। खादी की बिक्री अभी पूरे देश में सिर्फ 1 करोड़ लोगों के द्वारा होती है, वो 2 करोड़ हो जाएं, 5 करोड़ हो जाएं, 10 करोड़ हो जाएं, तो रोजगार उतना ही बढ़ता जाएगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 15 करोड़ लोगों को रोजगार गांव में ही मिल सकता है, खाली खादी का कपड़ा पहनने और उसका उपयोग करने मात्र से। ये एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है। दूसरा उद्योग क्या हो सकता है, हर गांव में सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, माने तेल की व्यवस्था सारी गांव में हो सकती है। जहां सरसों पैदा हो सकती है वहां तेल निकल सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां तेल निकल सकता है, तो तेल निकालने के सारे केंद्र गांव में ही चलेंगे, शहर में आकर तेल बिकेगा। आप बोलेंगे तेल कैसे निकालते हैं, पुराने जमाने में कोल्हू होता था ना, उससे तेल निकलता था, अभी भी हो सकता है, बैल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और बैल की व्यवस्था करने के लिए गाय को जिंदा रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बैल तो अभी भी हो जाएंगे, कोल्हू तो अभी भी चल जाएंगे, और कोल्हू का निकाला हुआ तेल 1000 गुना क्वालिटी में अच्छा होता है ये जो मशीन से निकाले हुए तेल की तुलना में, क्योंकि मशीनों से जो तेल निकलता है उसमें बिजली इस्तेमाल होती है, घर्षण बहुत तेज होता है, तेल की सारी पौष्टिकता उसमें जल जाती है क्योंकि तापमान बड़ा हो जाता है। कोल्हू से धीरे 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 तेल निकलता है, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है, और हमने तो परीक्षण कर लिया है, कोल्हू का तेल कोई भी आदमी खाए कभी हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं, कभी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की संभावना नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और ये बाजार वाले तेल से LDL और VLDL बढ़ता है। LDL VLDL खतरनाक है, HDL तो जरूरी है।
इसलिए कोलू के तेल की व्यवस्था हर गांव में होगी। तेल का बाजार 56,000 करोड़ का है और इस बाजार में हम हिंदुस्तान के लाखों गांवों को लगा सकते। फिर इसी तरह से घी है, देशी गाय का घी, भैंस के दूध का घी, ये सब गांव में निकालने का काम हो सकता है। घी निकालना ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं मालूम। दूध को दही बनाओ, दही का मट्ठा बनाओ, मक्खन निकालो, गर्म करो, घी बनाओ। यूरोप में किसी को नहीं आता, ये हमें तो आता है, घर घर में आता है। तो घी निकालने का उद्योग, तेल का उद्योग, सूत का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग। फिर गांव में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से आटा हर गांव में बन सकता है। चक्की हाथ की अगर चलवा दें हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में, तो आटा जो तैयार होगा उससे ज्यादा पौष्टिक आटा मिल नहीं सकता आपको। जिन माताओं ने चक्की का पिसा हुआ आटा खाया है, किसी भी माँ को बच्चे का जन्म करने के लिए सर्जरी नहीं करानी पड़ी है, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा है। ये हमारा इतिहास है आजादी के बाद का। चक्की चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती। और चक्की चला के हम अपने पेट कम कर सकते हैं, शरीर को कम कर सकते हैं, शुद्ध आटे की पूर्ति हो सकती है। इसी तरह से भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है। तो जिन गांव में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाने का उद्योग चल सकता है। 65,000 गांव में टमाटर पैदा होता है इस देश में। जिन गांव में टमाटर पैदा हो सकता है वहां टमाटर की चटनी बनाने का उद्योग हो सकता है। 1,00,000 से ज्यादा गांव हैं जहां आम की भिन्न भिन्न किस्में पैदा होती हैं। आम का अचार बनाने का काम उन सब गांव में हो सकता है। पापड़ है, बड़ी है, ये सब बनाने का काम गांव गांव में हो सकता है। तो ये 100 तरह के उद्योग गांव में हमें लगाने हैं। अब इन उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी चाहिए। ये पूंजी उस पैसे में से हम निकालना चाहते हैं जो स्विस बैंक से वापस आए। और ये उद्योगों को लगाने के बाद जो बचेगा पैसा, उसमें हम बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। भारत में लगभग 2,50,000 गांव हैं जहां बिजली अभी चाहिए। हमने उसकी योजना बनाई है, 10-10 गांव के छोटे समूह बनाए और 1 मेगावाट का छोटा बिजली घर बनाए, जिसमें बिजली की खपत हो पूरी की पूरी, बिजली का नुकसान हो कम से कम। अभी हमारे देश में क्या होता है, बिजली बनती है 1,000 मेगावाट के पावर स्टेशन, 1,500 मेगावाट के पावर स्टेशन। अब 1,000 मेगावाट की बिजली बनाएंगे तो उसका वोल्टेज 11,000-12,000-13,000 पर होगा। अब 11,000 वोल्टेज को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते घरों में, तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और 110 वोल्ट तक लाने के लिए सारी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ता है। फालतू में हमारी 35% बिजली बर्बाद होती है। इस बर्बादी को हम रोकना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो 110 वोल्ट की है, उसके लिए छोटे पावर स्टेशन हो। कारखानों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो हाई वोल्टेज की है, उसके पावर स्टेशन अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करो, डिसेंट्रलाइज करो, तो फालतू बिजली खराब ना हो और जितनी बिजली हम बचत करेंगे वही पैदा हो जाएगी। और 1 मेगावाट के बिजली घर को बनाने में 4.5 करोड़ का खर्चा आता है। 1,00,000 बिजली घर भी हम लगाएंगे तो 4.5 करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110,00,000 करोड़ का फंड है, हो सकता है। फिर सड़क बनाने का काम हो सकता है। फिर हॉस्पिटल हर गांव में हो, डॉक्टर हर गांव में हो, दवा हर गांव में मिले। मैंने तो एक दिन सोचा था कि भारत के एक एक गांव के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो आईपीएस पुलिस अधिकारी को गांव का चौकीदार बना के रख सकते हैं। इतना पैसा एक एक गांव के पास हो सकता है। इस पैसे से विकास करेंगे हम। और मैंने एक दिन ये सब हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मात्र 50,00,000 करोड़ रुपए में भारत का हर गांव सोने का गांव हो जाएगा, स्वर्ग जैसा गांव हो जाएगा, मात्र 50,00,000 करोड़ के खर्चे। और है हमारे पास 110,00,000 करोड़, तो जो 60,00,000 करोड़ बचेगा उसको भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे तो साल का ब्याज 6,00,000 करोड़ का आ जाएगा। किसी को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बनाए। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए हैं वो अब हम नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स से जितना पैसा आता है वो तो विदेशी पैसे को भारत में ले आए उसके ब्याज से ही आ जाता है, जरूरत क्या है। और टैक्स जैसे ही खत्म होंगे महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको एक छोटी सी कल्पना देता हूं, 100 रुपए की चीज आपको आराम से 30 रुपए में मिल जाएगी अगर सारे टैक्स खत्म हो जाए।
50 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है ना, ये 12-13 रुपए लीटर में मिल जाएगा। 35 रुपए लीटर का डीजल है, 7-8 रुपए लीटर में मिल जाएगा टैक्स खत्म होने के बाद। रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 का है, वो 45 रुपए का मिल जाएगा आपको। बस में आना और जाना करते हैं, अगर ग्वालियर से कहीं जाएं, 100 रुपए का टिकट लगे, 30 रुपए में ही पहुंच जाएंगे आप। रेल में भी वही होगा, हवाई जहाज में भी वही होगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सबका खर्चा 70% कम हो जाए। महंगाई 70% एक दिन में खत्म हो जाएगी टैक्स व्यवस्था को हटाते। अब महंगाई कम होगी तो गरीबों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, आराम से उनकी जिंदगी वो बिता पाएंगे। और एक बड़ा काम होगा, इनकम टैक्स खत्म जैसे ही होगा, सारा काला धन इस देश में सफेद हो जाएगा एक झटके। अभी 36 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है, जो बंद पड़ा है तिजोरियों में। फिर जब वो सफेद हो जाएगा तो कोई उसको तिजोरी में नहीं रखेगा, सारा धन बाहर आ जाएगा। या तो लोग बैंक में जमा करेंगे, या उसको खर्चे में डालेंगे, या उससे उद्योग और व्यापार करेंगे। तीनों ही स्थिति में पैसा बाजार में घूमेगा। और 36 लाख करोड़ अगर हमें मिलता है एक झटके में, तो कटोरा लेकर भीख मांगने भारत को किसी देश के दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा। देश का सारा विकास स्वावलंबी होगा, स्वदेशी होगा। तीन कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि नोट जितना बड़ा, उसके नकली होने की संभावना उतनी बड़ी। पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं, आप जानते हैं। 15-20% करेंसी हमारी नकली हो चुकी है, यह सरकार कहती है। हर साल पाकिस्तान 18-20 हजार करोड़ की नकली करेंसी हमारे देश में डाल देता है। और जब भी नकली करेंसी पकड़ी जाती है, तो 1000 के नोट, 500 के और 100 के नोट पकड़े जाते हैं। 50 का नोट आज तक नहीं पकड़ा गया। जानते हैं क्यों? एक बार मैंने एक सीबीआई अधिकारी को पूछा था कि जब पाकिस्तानी एजेंटों को आप पकड़ते हैं नकली नोट के साथ, तो उनसे पूछने में क्या पता चलता है? तो उन्होंने कहा, यह पता चलता है कि 1000 का नोट बनाना आसान है, 500 का भी आसान है, 100 का भी आसान है। 50 का नोट बनाने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। 20 का नोट बनाने में 25 खर्च हो लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। उसका पाकिस्तान का उद्देश्य 1500-100 के नोट बना के नकली इस देश में डलवाना। तो 1500-100 के नोट ही बंद कर दो, देखें पाकिस्तान क्या करता, तो नकली करेंसी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा है कि रिश्वत कौन देगा फिर? अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो 1000-1000 के नोट ब्रीफ केस में भर के दे आते हैं। फिर 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। कौन दे के आएगा देखें, और कौन ले लेगा वो भी देखें। रिश्वतखोरी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और सबसे गंभीर बात यह है कि जब 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए है, इसका माने 84% हमारी करेंसी 20 रुपए ही चाहिए हमको। 1000 की क्यों करेंसी चाहिए? 84 करोड़ लोगों ने 1000 का नोट नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, क्यों उनको 1000 का नोट पकड़ाना? उनको 20 की जरूरत है, वो ही चाहिए। तो करेंसी हमें छोटी रखनी। और एक काम हम करना चाहते हैं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अर्थव्यवस्था के जो कानून है, एक कानून है किसानों के लिए जो इस देश में लगा हुआ है, वो ये कि कोई भी किसान अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकता, सरकार के अधिकारी तय करते हैं। किसान अकेला है जो अपनी चीज का भाव तय नहीं करता, बाकी सब लोग अपनी चीज का भाव तय करते हैं। जूता बनाने वाला भी जूते का भाव खुद तय करता है, मुझे यही कीमत पे बेचना है, किसान नहीं कर पाता। क्योंकि अंग्रेजों का कानून है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट, वो कानून हम बदलना चाहते हैं। किसान को अधिकार देना चाहते हैं कि वो अपनी फसल का भाव खुद तय करे, और फसल के भाव के निर्धारण में जो मानक हैं वो बदलना चाहते हैं। अभी फसल का भाव जब तय होता है ना, तो जमीन की कीमत उसमें जोड़ी ही नहीं जाती, जबकि वो जमीन करोड़ों रुपए की होती है। अगर आप कहीं जमीन खरीदें, उद्योग चलाएं, बैंक से कर्ज लें, तो बैंक का ब्याज आप जोड़ लेते हैं, किसान बेचारा वो भी नहीं जोड़ पाता। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जैसे ही जमीन की कीमत आप जोड़ना शुरू करेंगे, फसल का भाव बढ़ जाएगा।
किसान को ज्यादा पैसा अपने आप मिल जाए। इसी तरह के हम कुछ कानून और भी बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए हुए न्याय के कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इन्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था यह है कि 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, फैसला नहीं आ रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस महोदय को मैंने पूछा कि 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कब आएगा, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों के कानून अगर ऐसे ही चलेंगे तो 350 साल में फैसला आएगा, ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। अंग्रेजों के कानून ऐसे घनचक्कर हैं कि आप फैसला दे ही नहीं सकते। ये कानून हमें हटाने, कौन से कानून लाने हैं? भारत में पहले एक न्याय व्यवस्था चलती थी, उसका एक नाम लेके उदाहरण देता हूं। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बड़ा न्यायप्रिय था। उसके दरबार में एक मुकदमा आया, 2 माताएं थी, एक बेटा था। एक माँ कह रही थी मेरा बेटा है, दूसरी कह रही थी मेरा बेटा, दोनों झगड़ रही थी। राजा ने कहा तलवार ले आओ, आधा आधा काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। जैसे ही तलवार आई तो असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, इस बेटे को दूसरी माँ को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली माँ यही है जो कटते हुए नहीं देख सकती अपने बच्चे को, तो नकली माँ से बच्चा छीन कर असली माँ को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये है भारतीय न्याय व्यवस्था। अब इसी मुकदमे को आप सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीपीसी में लेके आ जाओ, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में, मैं आपको विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं 30 साल केस चलता रहेगा, फैसला ही नहीं हो पाएगा। असली माँ कौन है, नकली माँ कौन है? हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं तो भी मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था। हमको ये नहीं चाहिए अंग्रेजी न्याय, हमको चाहिए तुरंत न्याय मिले, और न्याय मिले, फैसला ना हो, केस का डिसीजन नहीं करना है, जजमेंट देना है, इसके लिए न्याय व्यवस्था है, फैसले करने के लिए नहीं है। अब फैसला और न्याय में अंतर जानते हैं क्या है? एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को डंडे से मत मारो, मारोगे तो जेल हो जाएगी, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट, डंडे से मारो जेल हो जाएगी। लेकिन उस गाय की गर्दन काट दो और एक एक मांस की बोटी बेच दो, उसकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलने का इस देश में सबको अधिकार है। अब गाय को डंडे से पीटो तो जेल हो जाए, गर्दन से काटो तो मीट एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये न्याय? ये तो अन्याय है। बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मार डालो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारो तो 302 का केस बनता है, फांसी हो जाती है, और गर्भपात में मार डालो तो कुछ नहीं। ये न्याय? हमारे देश में एक कानून है बलात्कार के खिलाफ, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। वो कानून क्या है? किसी भी मां बहन बेटी का बलात्कार हो तो मां बहन बेटी को सिद्ध करना पड़ता है कि बलात्कार हुआ या नहीं, जिसने किया उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये न्याय? क्या करें इस व्यवस्था को? खत्म करना है इसको, तो चलाना नहीं है, रखना नहीं है एक मिनट। परिणाम क्या हो रहा है कि जब बलात्कारियों को सिद्ध नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर घटना घटित हुई है उसको सिद्ध करना है, तो सारे बलात्कारी छूटने ही वाले हैं। और इस हिंदुस्तान में 100 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 छूट जाते हैं, वो दोबारा किसी माँ बहन बेटी की इज्जत को तार तार करते हैं। ऐसा न्याय हमें नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण न्याय चाहिए, इसकी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। इसी तरह हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था मैकॉले के समय की बनाई हुई है, बहुत पुरानी है। मैकॉले ने अंग्रेजों के गुलामी के तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ क्लर्क पैदा करने हैं, इसके लिए ये शिक्षा व्यवस्था लाई थी। मैकॉले ने खुद अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गुलामी की व्यवस्था को पक्का करने के लिए, अंग्रेज सरकार और भारतवासियों के बीच पुल का काम करने के लिए कुछ क्लर्कों की जरूरत है, इसके लिए उन्होंने ये लाया इंडियन एजुकेशन एक्ट। अब वही हम क्यों चला रहे हैं आज़ादी के 62-63 साल के बाद? हमें तो गुलाम नहीं पैदा करने, हमें तो क्लर्क पैदा नहीं करने, हमें तो वैज्ञानिक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और दिमाग से चाहिए,
इसलिए शिक्षा व्यवस्था बदलनी है और शिक्षा व्यवस्था की भाषा भी बदलनी है। हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं जो दुनिया का कोई देश नहीं करता। आजादी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाषा को अपने यहां नहीं ढोया, भारत को छोड़कर सभी देशों ने अपनी मातृभाषा लाई अपने देश में। छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क नाम का बिल्कुल पिद्दी सा देश है, हमारे हिंदुस्तान के किसी मोहल्ले के बराबर का है, इतनी ही आबादी है उस डेनमार्क की। वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई डेनिश में कराता है, इंजीनियरिंग डेनिश में होती है, मेडिकल साइंस वहां डेनिश में है, सारा काम वहां वो मातृभाषा में कराता है। तो हम 115 करोड़ की आबादी के देश अपनी मातृभाषा में काम क्यों नहीं कर सकते? हम इंजीनियरिंग क्यों नहीं हिंदी में पढ़ा सकते? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि हिंदी में शब्दों की कमी है। ऐसी कोई कमी नहीं है, डेनिश भाषा के पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है, उससे तो हजार गुना ज्यादा हमारे पास है। शब्दों की कोई कमी नहीं है, शब्दकोश की कोई कमी नहीं, हमारे पास पर्याप्त शब्द हैं, अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं हमारे पास। अंग्रेजी तो भाषा 5वीं शताब्दी से आई है, उसके पहले तो कोई जानता नहीं उनका इतिहास क्या है। दुनिया भर के देशों से खिचड़ी बना के इकट्ठी की हुई है उन्होंने, लैटिन से कुछ ले लिया, जर्मन से कुछ ले लिया, फ्रेंच में से कुछ ले लिया, इटालियन में से ले लिया, इससे ले लिया और बना दिया। हमको तो ये नहीं करना पड़ा, संस्कृत में ऐसा घालमेल करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी इस देश को करोड़ों साल से। और जितना ज्यादा शब्द संस्कृत में हो सकते हैं दुनिया की किसी भाषा में संभव नहीं है, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप यही एक भाषा में है। करोड़ों शब्द, अंग्रेजी में तो अकाल है शब्दों का, एक शब्द है सन, SUN, वो अकेला ही है, दूसरा है ही नहीं। सूरज को बोलने का सन के अलावा दूसरा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास। और हम अगर संस्कृत और हिंदी की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास। एक शब्द है अंग्रेजों के पास मून, वो अकेला है, इकलौता है। और हम चंद्रमा के अगर शब्दों की गिनती शुरू कर दें तो वो 62-63 है। एक शब्द है उनके पास वाटर, पानी, और वो पानी चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कहीं का हो, वो एक ही है वाटर। हमारे पास तो हर जगह के पानी के लिए अलग शब्द है, नदी के पानी के लिए अलग, आकाश के पानी के लिए अलग, समुद्र के पानी के लिए अलग, तालाब के पानी के लिए अलग। शब्दों का भंडार जितना बड़ा हमारे पास है किसी के पास नहीं। और जिस भाषा के पास शब्दों का भंडार हो वहां पाठ्यक्रम भी बहुत आसानी से बन सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए हमें तो अंग्रेजी को छोड़ना ही है, और ऐसे ही छोड़ना है जैसे अंग्रेजों को छोड़ा था। अंग्रेजों को छोड़ दिया तो उनकी अंग्रेजी को छाती से क्यों लगा के घूमे, जरूरत क्या, हमें तो नहीं जरूरत है। आप बोलेंगे जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो अंग्रेजी की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। जापान बिना अंग्रेजी जाने सीखे समझे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है। जापान का प्रधानमंत्री भी अंग्रेजी नहीं जानता, चपरासी भी अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका माल बिकता है बिना अंग्रेजी के, तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा। रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है, जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है। आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं, और वो बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं। फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते हैं, नीदरलैंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अपनी भाषा पे स्वाभिमान और गौरव करने की बात है, कमी कुछ नहीं है हमारी भाषा। मुझे तो दुख होता है कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फंस के ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए, बीच में हो गई खिचड़ी हमारी। कुछ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे अधकचरे लोगों के घरों में जब मैं जाता हूं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति देखता हूं। पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया, यही समझ में नहीं आता। और जिन्होंने बेटे का नाम टिंकू रखा उनसे पूछता हूं तुमको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है, तो उनको नहीं मालूम। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने माँ की ना सुने वो अंग्रेजी में टिंकू होता है। यहां अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना रहे हैं। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लिखे
बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, बबलू, डबलू, क्या मतलब है बबलू, डबलू, डिंकल, टिम्पल? नामों की कुछ कमी आ गई है क्या? अकाल पड़ गया इस देश में। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, पढ़े लिखे, रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है उनको। जितने लोगों को अंग्रेजी बोलते मैंने सुना है, 99% गलत व्याकरण और गलत उच्चारण का उपयोग करते हैं, फिर भी रौब झाड़ने के लिए बोलते रहते हैं। शब्दों का अर्थ नहीं मालूम फिर भी बोलते रहते हैं। कभी कभी चला जाता हूँ किसी के घर में तो कहते, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूँ, रियली शी इज योर मिसिज? क्योंकि उनको मिसिज का अर्थ ही नहीं मालूम, बोल रहे हैं मिसिज। किसी की धर्मपत्नी कहती है, ही इज माई मिस्टर। मैं पूछता हूँ, रियली ही इज योर मिस्टर? क्योंकि मिस्टर का अर्थ नहीं मालूम। ये मिसिज और मिस्टर अंग्रेज सभ्यता में से पैदा हुए दो शब्द हैं। हर सभ्यता की अपनी कोई विशेषता होती है, ऐसे ही अंग्रेजों की एक विशेषता है, और वो विशेषता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। इंग्लैंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा पुरुष जिसके 20-30 महिलाओं से कम से संबंध रहे हों, और एक महिला नहीं मिलेगी जिसके 20-30 पुरुष से कम से संबंध रहे हो। वो एक से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, उनको बीसियों लगते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं यूरोप में, 30-30 शादियां की हैं और 31वीं करने को तैयार है। सवेरे शादी, शाम को तलाक, फिर दूसरी शादी, फिर शाम को तलाक, क्योंकि भरोसा ही नहीं है दोनों को एक दूसरे पर, क्योंकि शादी होती ही नहीं है आत्मा से, वहां तो शरीर से होती है। आत्मा को तो मानते नहीं ना वो, आपको मालूम है, वो मानते नहीं कि आत्मा कोई चीज है। वो तो कहते हैं शरीर है और शरीर का आनंद है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो जयराम जी की, अलग अलग, फिर दूसरे को ले लो, फिर तीसरे को ले लो। तो जिन देशों में स्त्री पुरुषों के बीसियों संबंध बनते हैं, वहां पर मिस्टर एंड मिसेस शब्द उपजे। और इनका अर्थ क्या है? मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी वो स्त्री जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं, वो मिसेस होती है। ताली मत बजाइए। और मिस्टर का माने वो पुरुष जो पति को छोड़कर है जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकती हैं, ये है मिस्टर एंड मिसेस। यहां धर्म पत्नी जो अग्नि को साक्षी मानकर आपके घर में आई है, आप उसको मिसेस बनाने में लग गए। अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं है हमको। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का जो किसी भाषा में नहीं है, हो भी नहीं सकता, मैडम। जानते हैं मैडम का अर्थ क्या? यूरोप में और इंग्लैंड में विशेष रूप से वेश्या घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका होती है उसको मैडम कहते हैं। रंडी घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हमारी सम्मानजनक मां बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते हैं। अकल नहीं है, समझ नहीं। और मां बहन बेटियां भी कहती है, मैडम बोलो मुझे, समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है। ये अधकचरा ज्ञान हमारा। अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती, समझी होती, पढ़ी होती, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता, शब्दों का इतिहास पढ़ा होता, कहां से ये शब्द निकले हैं, क्यों निकले हैं, हर एक शब्द के पीछे कोई इतिहास है और उनकी कोई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें से वो शब्द पैदा होते हैं। एक शब्द आया फादर इन लॉ और दूसरा मदर इन लॉ। ये ससुर नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज है उनके यहां। आपको मालूम है शादी वहां कॉन्ट्रैक्ट है, आत्माओं का संबंध नहीं है, और हर कॉन्ट्रैक्ट कानून से बंधा हुआ होता है, इसलिए फादर इन लॉ है, इसलिए मदर इन लॉ है, इसलिए ब्रदर इन लॉ है, इसलिए सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से बंधा हुआ है। भारत में ये नहीं है। हमारे यहां तो ससुर और सास माता पिता के समान है, आत्मा से हमारा बंधन है उनका। हम मूर्खों के मूर्ख फादर इन लॉ बताते रहते हैं, ये ससुर है फादर इन लॉ। जीभ फटती है हमारी ससुर कहने में और फादर इन लॉ कहने में गर्व। मूर्खों के मूर्ख हैं सच में। मेरा यही कहना है, अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो, समझ लो, फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हंसी तो नहीं आए कम से कम। मूर्खता करो तो समझ के करो,
और जब समझ नहीं है तो फंसना क्यों उसमें। कुछ ऐसे मूर्खता की चीजें हैं अंग्रेजी में, ब्यूटी पुट, ब्यूटी बुट, और अगर ब्यूटी बट तो प्यूटी पट, सीयूटी कट, ब्यूटी बट तो प्यूटी पट क्यों नहीं होना चाहिए बताइए मुझे। और अगर प्यूटी पुट तो ब्यूटी बुट और सीयूटी कुट क्यों नहीं होना चाहिए, कोई उत्तर नहीं। एक अंग्रेजी का शब्द है केमिस्ट्री, तो CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है, तो यहां क्या है CH का है, तो चोपड़ा में CHOPARA, चोपड़ा में तो कोपड़ा होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हो सकता है तो चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, और कोपड़ा का चोपड़ा हो रहा है तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए, कुछ जवाब नहीं। कहीं सी का है, कहीं सी चा हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है, कुछ अतई पता नहीं है कहां सा कहां का कहां चा, हमारी संस्कृत में तो नहीं होता, कहीं भी हिंदी में भी नहीं होता। ये अधकचरे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, वो सिखाते हैं, मैं किसी के घर में घुसता हूं, ये अक्सर मेरे साथ होता है, कहते हैं बेटा अंकल आए हैं जरा पोयम तो सुनाओ, तो मैं कहता हूँ भाई ये अंकल कौन है, मैं चाचा हो सकता हूँ, मामा हो सकता हूँ, ताऊ हो सकता हूँ, फूफा हो सकता हूँ, मौसा हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता, ये अंकल कहां से हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल है कौन। चाचा मामा काका मौसा फूफा हमारे यहां तो निश्चित शब्द है ना, और किसी के भी घर में घुसो मामा हो जाओ तो कितना अच्छा, नहीं तो चाचा हो जाओ, ये अंकल होने की जरूरत क्या है। वो अपने बच्चों को कहते हैं अंकल आए, तो फिर वो सुधारते, अच्छा भाई चाचा कहलवाएंगे मामा कहलवाएंगे, फिर वो कहते हैं पोइम सुनाओ, कविता नहीं पोइम सुनाओ। अब कविता और पोइम में जमीन आसमान का अंतर है, वो बताता हूं अंतर क्या। वो बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, कहता मालूम नहीं। किसने सिखाई, मम्मा ने सिखाई, मम्मा को पूछा अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे, नहीं मालूम। किसने सिखाई, उनके टीचर ने सिखाई, टीचर को पूछो रेन रेन गो अवे, अर्थ मालूम नहीं है, भेड़िया धसान लगा रखा है, रटा रहे हैं रटा रहे हैं रटा रहे हैं। फिर बच्चे को जब मैं समझाता हूं, देखो इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है। अब बारिश चली जाए वो यहां ना आए, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में बच्चा कहे, और करोड़ों बच्चे ये कहें ईश्वर ने सुन ली तो, बारिश को बुला लिया वापस, क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं रेन रेन गो अवे भाग जाओ बारिश तुम, तो ईश्वर ने कहा चलो ठीक है बुला लो वापस, तो बारिश तो होगी नहीं, खेत में पानी तो आएगा नहीं, तो अन्न तो पैदा होगा नहीं, तो खाएंगे क्या, रेन रेन गो अवे खा के पेट भरेगा। हम मूर्खों को यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर जहां खेती होती है उसमें से 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही पानी की व्यवस्था है, 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन की खेती तो बारिश की ताकत पर होती है। जिस देश की 60% खेती बारिश पर होती हो वहां के बच्चे ये गाएं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, महामूर्खता की ये हद है। फिर उन बच्चों को मैं कहता हूं कि ये है पोएम जो आई है इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश कभी भी होती है, मौसम का भरोसा नहीं। इंग्लैंड में कहते हैं 3 W है जिनका कोई भरोसा नहीं, वेदर कोई भरोसा नहीं, वाइफ कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, हाँ बिल्कुल भरोसा नहीं है वाइफ का, वेदर का भरोसा नहीं, और वर्क काम का भरोसा नहीं। 20 साल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कल आपको पिंक स्लिप देंगे और कहेंगे जी चले जाओ, हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो वेदर एकदम पक्का है, भरोसा है, बारिश का सीजन है तभी बारिश होगी, ठंड में तो ठंड होगी, गर्मी में गर्मी ही होगी, ये भारत में नहीं हो सकता। और वाइफ तो इतनी पक्की है इस देश में
कि एक जन्म नहीं सात सात जन्म तक का बंधन है। तो हमको ये अंग्रेजियत में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी भारत के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कविता सिखाइए। आपको एक मैं मराठी कविता बताता हूं, बहुत सुंदर कविता है। ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा। ये है भारतीय कविता। बच्चे क्या कह रहे हैं, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ये रे माने जल्दी जल्दी आओ, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा देने को तैयार है बच्चा, तुम आ जाओ एक बार। हम बारिश को बुलाने वाले देश के लोग हैं, क्योंकि 60% उत्पादन बारिश की ताकत पर होता है। तो यहाँ के जमीन से जो कविता फूटेगी वो ये रे पाउसा ही होगी। इंग्लैंड की जमीन से जो कविता फूटेगी वो रेन रेन गो अवे होगी। हर सभ्यता की कविताएं अलग होती हैं, हर संस्कृति के वाक्य अलग होते हैं, सूक्त अलग होते हैं। ये समझने की जरूरत है। अंग्रेजियत में ये रे पाउसा नहीं मिलेगा। तो भारतीयता में आइए, इस अंग्रेजी का पिंड छोड़िए। आप दुनिया भर में बोलते फिरते अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल नहीं है। 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और उन्हीं देशों में अंग्रेजी है जो अंग्रेजों के गुलाम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्ट इंडीज, फिर साउथ अफ्रीका, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम है, इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं। जो देश गुलाम नहीं हुए वहां अंग्रेजी नहीं है। मैं तो आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहाँ फ्रेंच चलती है, अंग्रेजी में भाषांतर करते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को पूछा, यूएन अधिकारी को, कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा वो कोई भाषा है। मैं पूछा मतलब, उन्होंने कहा सबसे रद्दी भाषा है दुनिया की, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसके अपने शब्द नहीं है, सब नकल करके घेर बटोर के इकट्ठा किया। तो फिर मैंने कहा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं। तो उसने इतना सुंदर जवाब दिया जो आपको भी पसंद आएगा। उसने कहा फ्रेंच बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं बोला इसकी वैज्ञानिकता क्या है। तो उसने कहा इसमें धातु रूप अलग होता है, शब्द रूप अलग होता है। मैं पूछा ये कहां से आया है। उसने कहा संस्कृत में से आया। क्योंकि दुनिया में एक ही भाषा है संस्कृत, जिसके धातु रूप, जिसके शब्द रूप। और आप जानते कितनी विशेष भाषा है कि आपकी क्रिया बदलती रहती है हर क्षण आपके संज्ञा के हिसाब से। मैं जाता हूं, वे जाते हैं, तुम जाते हो, तीनों में ही अलग, किसी भाषा में नहीं होता। इसलिए जब इतनी अच्छी भाषा अपने पास है संस्कृत, और अब सब वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता संस्कृत में है, शब्दों की संख्या संस्कृत में है, तो क्यों अपनी संस्कृत को क्यों ना अपनाएं, हिंदी को क्यों ना अपनाएं, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम को क्यों ना अपनाएं इस देश में, क्यों विदेशी भाषा का मोह करें। इस मोह को तो छोड़ना पड़ेगा और इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। भाषा को हमारे देश में वैसे ही तय करने की जरूरत है जैसे अंग्रेजों के साथ हमने तय किया था। अंग्रेज रहे तो ठीक है, अंग्रेजी थी, अब अंग्रेज गए तो अंग्रेजी को विदा करना ही है। और जिस दिन अंग्रेजी विदा होगी उस दिन इस देश में एक नई क्रांति होगी। आप जानते क्या होगा, इस देश के करोड़ों विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, भौतिक शास्त्र में अच्छे हैं, रसायन शास्त्र में अच्छे हैं, अर्थशास्त्र में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, सब विषयों में पारंगत हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल होते हैं तो उनकी जिंदगी रुक जाती है। सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में फेल हो गए। मैं ये बात अपने आप से कहना चाहता हूं और आपसे कि उनको अंग्रेजी में ही फेल होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है, विदेशी है। कौन सा अंग्रेज है जो हिंदी में पास होके दिखा सकता है, आप ले आइए। और कौन से अंग्रेज परिवार के लोग हैं जो मार मार के अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हों, ले आइए। हम मार मार के अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं, और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो उस पर अफसोस क्या कर रहे हैं। फेल तो उनको अंग्रेजी में ही होना चाहिए, पास तो हिंदी में होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा में फेल नहीं होंगे तो किस में फेल होंगे। लेकिन हमारे देश की मुश्किल क्या है कि जो विदेशी भाषा में फेल हो गया वो जिंदगी में फेल हो जाता है, वो कहीं भी पास नहीं हो पाता है।
पूरा जिंदगी भर वो दर्द सहता रहता है अंग्रेजी का। मैंने देखा इस देश के बहुत विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिखते पढ़ते बोलते हैं मातृभाषा में, फिर उसका भाषांतर करते हैं विदेशी भाषा में, उनकी जिंदगी का 6 गुना ज्यादा समय इसी भाषांतर में निकल जाता है। फिर परिणाम क्या होता है, 2-3 साल में जो इंजीनियरिंग होना चाहिए वो 5.5 साल में होता है, 6 साल में होता है, 7 साल में, 1.5-2 साल में जो मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए वो 5-7 साल खिंच जाती है। भाषा को बदल दीजिए, मातृभाषा ले आइए, सारी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई 1.5-2 साल में ही हो जाएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई 6-8 महीने में हो जाएगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई 2-3 महीने में हो जाएगी। और एक दिन मैंने मेरे ऊपर ये करके देखा कि पहली कक्षा से 12वीं तक मैं अंग्रेजी हटा दूं हर जगह से, तो 12 साल में जितना मैंने सीखा मैं 2 साल में वो सब सीख सकता हूँ, 10 साल अपनी जिंदगी के बचा सकता हूँ, दूसरे काम में लगा सकता। करोड़ों विद्यार्थी वंचित हैं इस देश में, वो सिर्फ अंग्रेजी के कारण। हमें इसको हटाना है, मातृभाषा के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को लाना है, इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान है। और ऐसे कुल हम 60-65 काम करना चाहते हैं इस देश में, छोटे बड़े कुल मिलाकर इस व्यवस्था को सुधारने के, इन्हीं सब कामों के लिए भारत स्वाभिमान बनाया है। एक और काम हम करना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब आजादी के 62 साल में 5,000 विदेशी कंपनी आ गई लूटने के लिए, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, ये सब विदेशी कंपनियां ऐसे ही लूट रही हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, इनको भी हम भगाना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया वैसे ये पेप्सी कोक को भी भगाना चाहते हैं। उसके लिए स्वदेशी आंदोलन इस देश में फिर पैदा करना चाहते हैं। एक बार स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, अब वही स्वदेशी आंदोलन फिर करना चाहते हैं। गांधी जी, तिलक और सावरकर ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, हम वो करना चाहते हैं पेप्सी कोका कोला जैसी 5,000 कंपनियों के खिलाफ। उसमें आपका हमें सक्रिय सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे क्या गांधी जी ने, तिलक ने देश को समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान मत खरीदो ये भाग जाएगी। हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि इन 5,000 विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो, ये भी भाग जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, इन कंपनियों का सामान मत खरीदिए, इनके स्थान पर सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदिए, देशी सामान खरीदिए, पैसा देश का बचेगा, अर्थव्यवस्था में ताकत बढ़ेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सारे हिंदुस्तानी लोग पेप्सी कोक पीते हैं, एक बोतल 12 रुपए की मिलती है, 70 पैसे में बनती है, 12 की वो बेचते हैं, एक बोतल पर 10 रुपए उनको नेट प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, 700 करोड़ बोतल उनकी साल में बिकती है, 7,000 करोड़ रुपए वो लूट ले जाते हैं इस देश से पेप्सी कोक का पानी पिलाकर। और वो पानी 12 रुपए का है 300 मिलीलीटर, 36 रुपए का हो गया 900 मिलीलीटर, 40 रुपए का 1 लीटर, 1 लीटर पानी 40 रुपए का हम पी रहे हैं, 20 रुपए लीटर का दूध नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और जो पेप्सी कोक का पानी पी रहे हैं उसको पीने में मजा नहीं आता, नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर भी गटागट पीते रहते। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमेरिका से आया है, उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ये वही एसिड है जिससे संडा साफ करने वाला फिनाइल बनाते हैं। हमारे घर में हार्पिक बनता है, फिनाइल बनता है, वो जिस एसिड से बनता है उसी से पेप्सी कोक बनता है। एक दिन मैंने मेरे घर में परीक्षण किया कि एसिड से अगर हम फिनाइल से और हार्पिक से संडा साफ कर सकते हैं तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्वालिटी दोनों की एक ही है। मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ होता है, बहुत अच्छा। 1 महीने मैंने मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, एक बोतल पेप्सी कोला लाके स्प्रे किया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर।
अब ये पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसी टॉयलेट क्लीनर को पीते, अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिला। कुछ अतिथि तो ऐसे घर में आते हैं, घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। मत पीजिए, अच्छा नहीं, क्वालिटी बहुत खराब। मैं आपको सच्ची जानकारी देता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में बहुत दिन रहा, वहां कपास की फसल होती है, कपास पे कीड़े बहुत लगते हैं, कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में खतरनाक जहर है, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियन, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, जिससे कीड़े मरते हैं फसल के, वो पेप्सी कोक है, मत पीजिए इसको। तो क्या पिए, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ भी पीजिए। 7,000 करोड़ का अगर गन्ने का रस पीने लगे तो करोड़ों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़पति हो जाए। तो पैसा देश के किसान को दीजिए, ना कि अमेरिका की कंपनी। ऐसे ये आप कॉलगेट क्लोजअप मत खरीदिए, ये विदेशी पेस्ट है। दांत साफ करने के लिए जो आप कॉलगेट क्लोजअप इस्तेमाल करते हैं, कितनी लूट है। 30 रुपए का 100 ग्राम है, 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बादाम है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है, 150 रुपए किलो घी आता है गाय का, 300 रुपए किलो पेस्ट है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं और वॉश बेसिन में थूकते, और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाते हैं। सस्ती चीज खाते हैं, महंगी चीज थूकते हैं, कहते हैं हम बहुत स्मार्ट। मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से महंगा है। ये मूर्खता मत करिए कॉलगेट क्लोजअप की, बंद करिए इसको। आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं, गली गली गांव गांव मिलता है। जो दातुन नहीं कर सकते तो दंत मंजन करिए, हमारे पतंजलि योगपीठ का दंत मंजन ले लीजिए, दिव्य दंत मंजन, उसको खरीदेंगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा और हमारे इस भारत स्वाभिमान के काम में लग जाएगा। ये कॉलगेट क्लोजअप का पैसा तो अमेरिका जाएगा, बंद करिए उसको। दंत मंजन घर में बना लीजिए, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल बस, और थोड़ी हल्दी, तीनों मिला के दांत पे घिस लीजिए दंत मंजन। ये विदेशी फालतू में साबुन मत खरीदिए, लक्स लाइफ बॉय, लिरिल रेक्सोना। मुझे तो ये दुख होता है, 40 रुपए का 100 ग्राम एक साबुन आता है इस देश में, डव 400 रुपए किलो, और लोग नहाते हैं और पानी में बहाते हैं उसको, 400 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे हैं, 400 रुपए किलो साबुन रगड़ रहे हैं, क्यों फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं? आप बोलेंगे नहाए कैसे, चने के आटे से नहाइए, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, दूध से नहाइए। हमारे देश में महाशिवरात्रि आती है तो शंकर जी को दूध से नहलाते हैं कि नहीं? तो भगवान नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं नहा सकते दूध से? और जब बुजुर्गों के पांव छुओ तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतों फलो। कुछ तो मानो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कोई बुजुर्ग ये नहीं कहता लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो, सब कहते हैं दूधो नहाओ पूतों फलो, दूध से नहाओ। मैंने हिसाब निकाला, हम सब दूध से नहाने लगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा देश का बचेगा, गाय बैल ज्यादा पालने पड़ेंगे तो गोबर और मूत्र ज्यादा होगा, तो खेतों में भी वो डल पाएगा, तो यूरिया डीएपी भी बंद हो जाएगा, लाखों करोड़ का खर्चा बच जाएगा देश। दूध से नहाइए, और दाढ़ी भी दूध से बनाइए, शेव करते हैं ना, दूध से थोड़ा दूध ले लीजिए, लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेप बनती है, मैं 15 साल से करता हूँ। 4 फायदे हैं। पहला फायदा, दूध लगाओ चिकना हो जाता है चेहरा, तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो दूध गंदगी निकाल देता है। आपको मालूम है दूध बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लिंजिंग ही होता है, 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको। दूध लगाओ तो गंदगी निकलती है, चेहरा साफ होता है, तो कील मुहासे नहीं होते।
और दूध लगाओ, चेहरा साफ हो तो चेहरा चमकता है। फोकट में स्मार्ट बनने का रास्ता बता रहा हूँ आपको, कल से शुरू कर दो। दूध से दाढ़ी बनाओ, दूध से नहाओ, और फायदा हो तो पड़ोसियों को बताओ। सारे देश में ये हमें फैशन बनाना है। जिंदगी को थोड़ा बदलो। कपड़े पहनने हैं तो सूती पहनो, खादी के पहनो। जूते चप्पल खरीदने हैं तो मोची से खरीदो, बाटा का मत खरीदना, बहुत लूटखोर कंपनी। बाटा क्या करता है, आगरे में जूता बनवाता है, आपको चल के दिखा देता हूं, कहीं दूर से नहीं, आगरे से बनवाता है, 100 रुपए का जूता, और मोहर लगाता है 699 रुपए 95 पैसे। आपको लगता है ये तो बड़े ईमानदार है, 700 रुपए नहीं लेते, वो लूट लेते हैं आपको 6 गुना, 100 रुपए का जूता है वो। तो अपने मोची से खरीद लो, मोचियों को रोजगार मिल जाएगा, बाटा को पैसे क्यों दे रहे हैं। तो माने विदेशी माल बिल्कुल खरीदना बंद कर दो, आप स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बनो। आप पूछोगे पता कैसे चलेगा, एक पुस्तक हमने बनाई है, उसका नाम है जीवन दर्शन, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने खुद लिखा है। उस पुस्तक में पीछे के 4 पन्ने पे यही जानकारी है, क्या सामान स्वदेशी क्या विदेशी, क्या स्वदेशी क्या विदेशी, वो ले लो आप, हमारे पतंजलि चिकित्सालय से मिल जाएगी, इनके हाथ में है ये पुस्तक है, जरा खड़े होके दिखा दो। ये पुस्तक मात्र 11 रुपए की है, आप इसको ले लो। पीछे इसमें 4 पन्ने हैं, जब आप खोलोगे तो सबसे पीछे उसमें सूची है, क्या वस्तु स्वदेशी क्या विदेशी, उसको संभाल के रखो। बाजार जब भी आप जाओ तो ये सूची देख कर जाओ और स्वदेशी सामान ही लेके आओ। अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि हम भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, हम भारतीय हैं तो भारतीय भाषाओं का ही उपयोग करेंगे, हम भारतीय हैं तो भारतीय भोजन का ही उपयोग करेंगे, हम भारतीय हैं तो भारतीय औषधियों का ही उपयोग करेंगे। जो भी होगा हम भारतीय भाषा भूषा भोजन भेषज सब कुछ भारतीय होगा, तब जाकर हम शहीदों के सपनों को सच्चा कर पाएंगे। इसी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, इसी स्वदेशी आंदोलन को करते करते लोकमान्य तिलक चले गए, महात्मा गांधी चले गए, सावरकर चले गए, वही आंदोलन अब हमें फिर जिंदा करना है, इसके लिए ये भारत स्वाभिमान है। तो आप सब इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी में विनम्र अपेक्षा लेके आया। एक तो आप हमारे सदस्य बनिए भारत स्वाभिमान के, हमको इस समय सदस्यों की बहुत जरूरत है, संख्या बढ़ाना है सबसे बड़ा काम, 5 करोड़ लोग हमें इकट्ठे करने हैं। हमारी पार्टियों के पास 4 करोड़ लोग हैं, हम जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे, हम जो कहेंगे पार्टियां वही करेंगी, इस देश में नियम वही बनेगा, कानून वही बने, संख्या बढ़ानी है हमको। तो आप हमारे ट्रस्ट में जुड़ जाइए, हमारे अभियान में जुड़ जाइए। जुड़ने का तरीका बहुत सरल है, एक फॉर्म बनाया गया है वो आप ले लीजिए, उसको भर के दे दीजिए। साधारण लोग जो सदस्य बनेंगे उनको 51 रुपए उसका दान राशि है, और जो विशेष बनेंगे वो 1100 रुपए है। ये दान राशि हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जाएगी, इसका एक पैसा भी किसी के व्यक्तिगत कार्य के लिए खर्च नहीं होता, सारा देश के कार्य के लिए पैसा खर्च हो रहा है। तो आप धन देंगे हमारे ट्रस्ट के काम आए, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो देश है, देश को स्वदेशी बनाना है, खुद को स्वावलंबी बनाना है, देश को भी स्वावलंबी बनाना है, और संपूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य इस देश में लाना है जो अभी तक आया नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सब प्रयास करें एक साथ मिलकर, ईश्वर हमारे प्रयासों को जरूर कामयाब करेंगे, क्योंकि जो अपनी मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद जरूर करते हैं, जो खुद खड़े होते हैं ईश्वर उनको जरूर मदद करते हैं खड़ा करवाने में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि ऐसी शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। एक सन्यासी को क्या जरूरत थी ये सब करने की, वो तो योग प्राणायाम में अपने लगे हुए थे, उनको लगता है कि नहीं देश भी अच्छा होना चाहिए, योग प्राणायाम से हम अच्छे हो जाएं फिर देश को भी अच्छा बनाना है। फिर उनके साथ दूसरे लोग जुड़ना शुरू हो गए, अभी 70 से ज्यादा संगठन है जिन्होंने भारत स्वाभिमान को पूरी तरह से अपना सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया है। थोड़े दिन में वो 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। आप भी इसमें आ जाइए तो आपकी आत्मा को भी थोड़ा संतोष होगा। मेरा तो आपसे विनम्रता पूर्वक एक ही कहना है
कि आप हमारे साथ आ जाएंगे, हम ये काम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। आप नहीं आएंगे तो भी काम तो हम करेंगे यही, बस इतना है कि थोड़ा देर में होगा। आप आएंगे जल्दी होगा, नहीं आएंगे तो भी होगा, देर में होगा। आप आ जाएंगे तो गर्व से आप कह पाएंगे कि जब भारत स्वाभिमान का अभियान चला था तो हम भी इसमें शामिल थे। जैसे हम आज गर्व से कहते हैं ना, मेरे दादाजी 1942 की लड़ाई में जेल गए थे, छाती चौड़ी करके बोलते हैं ना, ऐसे ही आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरे मामा माता पिता भी भारत स्वाभिमान के अभियान में शामिल थे। और जो शामिल नहीं हुए तो आपके ही बच्चे आपको गालियां देंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब भारत स्वाभिमान चल रहा था। आपको तय करना है, रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है, या तो आप साथ में आ जाइए, नहीं तो हमारे विरोधियों के साथ चले जाइए। हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है जीत हमारी होने वाली है, सार्थकता हम लाने वाले हैं, सफलता हमको मिलने वाली है। ये बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़े ध्यान और शांति से सुना। एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि सदस्य बनने के लिए फॉर्म यहाँ मौजूद है हमारी स्थानीय पतंजलि समिति के पास, ले लीजिए, भरपूर है, कोई कमी नहीं है। जीवन दर्शन पुस्तक भरपूर है, वो ले लीजिए, कोई कमी नहीं है। स्टॉल भी है तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। और ये स्वदेशी विदेशी का सूची पत्रक निकाल के घर में संभाल के रखिए, बाजार से सभी सामान स्वदेशी लेके आइए। जो कुछ मैंने बोला है इस विषय पर अगर बार बार कुछ और सुनना हो मेरे विचारों को, इन्हीं सूचनाओं को, तो इसकी कुछ CD बनाई है, MP3 फॉर्मेट में है। आप इस तरफ बाहर जाएंगे तो मेरा एक सहयोगी है, उसके पास है, आप एक दो चार CDs ले लीजिए, उसकी हजारों कॉपियाँ करवा लीजिए। मेरा कोई कॉपीराइट किसी CD पर नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि मैं मानता हूँ ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया, तो उसकी हजारों कॉपी कर करके घर घर बंटवा दीजिए। ये विचार जितनी तेजी से और जितनी जल्दी घरों में पहुँचेगा, उतनी ही जल्दी भारत स्वाभिमान का अभियान और हमारा प्रयास सफल और सार्थक होगा। ये कहकर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।